हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ यदेंद्र उपाध्याय, टीम जूलॉजी सीएलसी सीकर। कैसे आप लोग? तो एक बार फिर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों ने अपना जो आज का जो बायोडिटीएस जो भी आपने दिया है अच्छा हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट वगैरह आपके अगर रहते हैं तो हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। एक सूचना आपको उससे पहले मैं आपको दे दूँ कि अपना जो बायो केम टेस्ट नंबर 3 था, है ना, टॉपिक जिसमें डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एलिमिनेशन वगैरह का जो इन टॉपिक्स के साथ जो बायोकेम अपना टेस्ट नंबर 3 हुआ था ना 8 मई को, उसको कुछ प्रॉब्लम्स थी। जैसे कुछ क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर प्रूफ रीड नहीं हो पाया था, तो आप लोगों के भले के लिए हम लोगों ने एक बार फिर से 180 क्वेश्चन फ्रेम करके डिजाइन करके एक बार फिर उसको रीशेड्यूल किया है 14 मई को। ठीक है, तो एक सूचना आपको ये हमें और देनी थी, है ना। तो एक बार फिर से इसकी तैयारी करके आप लोग 14 को इसका जो है पेपर दे। ठीक है, तो सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। ओके, तो अपना बायो डीटीएस नंबर 3, तो उम्मीद है अच्छा पेपर हुआ होगा। हालांकि इसमें जो टॉपिक्स थे वो मूवमेंट लोकोमोशन से भी थे, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो है उसमें न्यूरल भी था और केमिकल वाला भी था। न्यूरल में नर्व सिस्टम के लिए, फिर रिसेप्टर्स के लिए, फिर केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की भी चर्चा हुई थी एंडोक्राइन से संबंधित। तो भले ही टॉपिक ज़्यादा हो लेकिन आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज करके क्वेश्चन लगाए होंगे। किसी भी टेस्ट से पहले ज़रूरी भी होता है कि ना चीज़ें जो है वो अच्छे से रिवाइज हो आपकी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है इससे हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे रिसेप्टर्स पे बना हुआ है और इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो ईयर है उसमें इंटरनल ईयर के अंदर जो कॉकलिया है उसका एक क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर हमें अलग अलग भागों को पहचानना है। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पर अगर ए की बात करें तो ए जो है वो है स्केला वेस्टिबुलर। फिर यहां पर बी एक मेम्ब्रेन है, देखो ये वाली मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है वो रीजनल मेम्ब्रेन, रीजनल झिल्ली भी इसको कहते हैं। उसके बाद में आप लोग देखें कि ये जो चैम्बर है बीच वाला मिडल, इसको बोलते हैं स्केला मीडिया, हालांकि इसके लिए हमें नहीं पूछा यहां पे। फिर सी वाला है वो है स्केला टिम्पेनाई। ओके, और डी वाला जो है वो एनसीईआरटी, आप लोग देखिए मेम्ब्रेन है, ये है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन या झिल्ली। ठीक है, तो कॉकलिया के इस क्रॉस सेक्शन के अंदर हम लोगों को एक तो तीनों चैम्बर के नाम याद रखने हैं, आपको दो झिल्लियों के बारे में याद रखना है कि रीजनल मेम्ब्रेन कौन सी है और बेसिलर मेम्ब्रेन कौन सी है, है ना। तो आप लोग देखिए कि जो रीजनल मेम्ब्रेन है, ये रीजनल मेम्ब्रेन स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के बीच में है। उसके बाद में स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई के बीच में एक मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है ये है बेसिलर मेम्ब्रेन, और बेसिलर मेम्ब्रेन पे ही आपके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं साउंड की फ्रिक्वेंसी को सेंस करने के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन अपने को अलग से पूछ सकते हैं कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी का जो साउंड हम लोग पहचानते हैं वो किस झिल्ली के कारण है, वो है बेसिलर झिल्ली। ओके, तो इससे संबंधित कुछ जो लेबलिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में ए को स्केला वेस्टिबुलाई दिया है, ये तो चलो ठीक है। फिर बी जो है वो है रीजनल मेम्ब्रेन, बी रीजनल मेम्ब्रेन हो गई। फिर सी जो है वो है स्केला टिम्पेनाई, सी हो गया स्केला टिम्पेनाई। और फिर जो डी है वो हो गई आपकी टेक्टोरियल झिल्ली, और डी को हम लोगों ने मार्क भी किया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे हमारा परफेक्ट हो गया। बाकी ऑप्शन और क्यों नहीं हो सकते, ए स्केला टिम्पेनाई, स्केला टिम ए को स्केला टिम्पेनाई दे दिया तो गलत हो गया, है ना, क्योंकि आपको ये ऑर्डर याद रखना है तीनों चैम्बर का। इस तरीके से ट्रिक याद रख लेना, वेरी मच थैंक्स।
थैंक्स वेरी मच होता है, लेकिन वेरी मच थैंक्स इस तरीके से आप लोग इसको याद कर लें, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक चीज ये भी याद रखनी कि स्केला मीडिया जो है इसके अंदर एंडोलिम्फ भरा हुआ है, और स्केला मीडिया के ऊपर और नीचे की तरफ जो बोनी लेबिरिंथ होती है जिसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे डिस्कशन के साथ, उसमें पेरिलिम्फ भरा होता है, ठीक है। तो तीसरे ऑप्शन में ए जो है उसको स्केला वेस्टिबुलाई दिया है, ये ठीक है। बी जो है उसको टेक्टोरियल झिल्ली दिया है, नहीं बी टेक्टोरियल झिल्ली नहीं है, बी जो है वो आपकी रीजनल मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन झिल्लियां जितनी भी हैं वो आपको याद रखनी है, तो ये गड़बड़ हो गया। फिर ए जो है उसको फिर स्केला टिम्पेनाई जो है वो नाम दे दिया। तो इस तरीके से अपना फोर ऑप्शन नंबर वन जो है वो परफेक्ट हो गया, इसकी ए स्केला वेस्टिबुली, बी रीजनल मेम्ब्रेन, सी स्केला टिम्पेनी और डी टेक्टोरियल झिल्ली, ठीक है। चले आगे आओ तो क्वेश्चन नंबर टू देखें कि आवर ईयर कैन हियर साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन, कि हमारे जो कान है वो किस फ्रीक्वेंसी के बीच में जो है वो साउंड को सुन सकते हैं। तो ह्यूमन हियरिंग रेंज आपको याद रखनी है 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स, इसको जो है आप लोग 20, इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं, 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स, और 20 किलो हर्ट्स को इसका आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 20,000 हर्ट्स, ठीक है ना। आप लोग देखें कि इस रेंज के अंदर हम लोग जो वो सुन सकते हैं 20, आप लोग जो 20 हर्ट्ज जो है इसको आप लोग 20 साइकिल भी कह सकते हैं कि एक सेकंड के अंदर इस तरीके से 20 साइकिल से लेकर के 20,000 साइकिल पर सेकंड। तो ह्यूमन जो रेंज है आप लोग देखें कि जैसे 5 से 10 साइकिल ये तो बहुत कम हो गया, ये ठीक है, हालांकि शुरुआत 20 से हो जाती है, लेकिन 50 से 20,000 साइकिल पर सेकंड दिया है ये परफेक्ट हो गया, 20,000 से 5,000 नहीं, 2,000 से 3,000 ये भी बहुत कम हो गया, तो सेकंड ऑप्शन अपना परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक इजी सा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था जो आपको याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, स्केला वेस्टिबुली, अगर चेंज कर लेते हैं, इज कनेक्टेड विद, अभी अभी जो अपन ने डायग्राम भी बनाया था, तो अगर हम लोग कॉकलिया के इस तरीके से डायग्राम जो आप लोगों ने पढ़ा है उसमें अभी चर्चा भी की थी कि सबसे ऊपर स्केला वेस्टिबुली, फिर स्केला मीडिया और फिर स्केला टिम्पेनी, इसमें एंडोलिम्फ भरा हुआ है, इसमें पेरिलिम्फ भरा हुआ है और इसमें भी पेरिलिम्फ भरा हुआ है। तो स्केला वेस्टिबुली इज कनेक्टेड विद, स्केला वेस्टिबुली किससे कनेक्टेड होता है, हम लोगों को यहाँ पर एक चीज और याद रखनी कि यहाँ पर विंडो भी होती है ना, इसको बोलते हैं ओवल विंडो और इसको बोलते हैं राउंड विंडो, अंडाकार खिड़की और गोलाकार खिड़की, है ना। तो ओवल विंडो को फेनेस्ट्रा ओवलिस भी कहते हैं, राउंड विंडो को फेनेस्ट्रा रोटेंडिस भी कहते हैं। तो यहाँ पे स्केला वेस्टिबुली यानी ये वाला इज कनेक्टेड विद, तो फेनेस्ट्रा रोटेंडस ये तो यहाँ जो है वो तो यहाँ पे आ गया, और वो किससे कनेक्टेड है, स्केला टिम्पेनाई से, तो ये हम लोग लेंगे नहीं। फिर फेनेस्ट्रा ओवलिस, ये देखो कि स्केला वेस्टिबुली जो है वो स्केला सॉरी वो फेनेस्ट्रा ओवलिस से कनेक्टेड होता है, तो ये अपना परफेक्ट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। स्केला मीडिया से ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा हेलिकोट्रीमा, ये स्केला वेस्टिबुली जो है वो स्केला जो टिम्पेनाई है इसके साथ कनेक्टेड होता है फ्लूड के थ्रू, और उस कनेक्शन में हेल्प करता है हेलिकोट्रीमा, लेकिन ऐसा इसके अंदर हेलिकोट्रीमा वाला ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए आप लोग इसमें कंफ्यूज हुए ही नहीं। फिर स्केला मीडिया हो नहीं सकता, यूस्टेकियन ट्यूब यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि जो एक्सटर्नल ईयर, फिर उसमें ईयर पिना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस, टिम्पेनिक झिल्ली, ये मिडल ईयर हमारा है,
और मिडल ईयर जो है उसको फेरिक से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक ट्यूब होती है जिसको यूस्टेकियन ट्यूब कहते हैं। यूस्टेकियन ट्यूब जो है वो मिडल ईयर को हमारे ग्रसनी फेरिक्स वाले भाग से जोड़े रखती है, और इससे लाभ ये होता है, बेनिफिट ये होता है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम या कान का जो पर्दा है उसके दोनों तरफ बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी एयर का दाब, एयर का प्रेशर बिल्कुल मेंटेन रहता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अपना परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर दिया है और इस फिगर में हमें जो करेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है, और ये जो फिगर है वो हमारे ईयर के संबंध में है। ईयर के लिए थोड़ा सा रफली अगर मैं आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में अगर केवल एक्सप्लेन करूं तो आउटर ईयर जिसके अंदर ईयर पिना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस एक केनाल आ गई है, फिर मिडल ईयर, मिडल ईयर और आउटर ईयर के बीच में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है जो दोनों के बॉर्डर के ऊपर कह सकते मौजूद होती है। मिडल ईयर जो है इसके अंदर 3 ऑसिकल्स होती है जिनको ईयर ऑसिकल कहते हैं, और उसके अंदर हवा बनी होती है। इसको जो है मिडल ईयर जो है इसके अंदर जो तीनों बोन हैं वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि वो एक्सटर्नल ईयर से इंटरनल ईयर में साउंड वेव को एम्पलीफाई करके ट्रांसफर करती है। इसके अलावा जो मिडल ईयर है वो यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू भी फेरिक से कनेक्टेड होता है, अभी हम लोगों ने चर्चा भी की थी। इंटरनल ईयर की अगर हम लोग बात करें तो इंटरनल ईयर को जो है लेबिरिंथ कहते हैं, इंटरनल ईयर को लेबिरिंथ कहते हैं, और इस लेबिरिंथ जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है, बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ बाहर की तरफ होता है, बोनी लेबिरिंथ बाहर की तरफ होता है, और इस बोनी लेबिरिंथ के अंदर एक और लेबिरिंथ मौजूद होता है जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ये मान लो रेड कलर वाला मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर एक तरल भरा होता है और इस तरल को बोलते हैं एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ। और जो बाहर की तरफ बोनी लेबिरिंथ है उसमें एक तरल भरा होता है, इस तरल को बोलते हैं पेरिलिम्फ। ठीक है, और बोनी लेबिरिंथ जो है उसके अंदर भरा हुआ जो पेरिलिम्फ है उसके अंदर आपका मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ रेड कलर में जो मैंने प्रदर्शित किया वो मौजूद होता है, और उसमें भरा होता है एंडोलिम्फ। इस तरीके से कह सकते हैं कि बोनी लेबिरिंथ जो है वो हमारे मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की प्रोटेक्शन करता है। तो बोनी लेबिरिंथ बाहर है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ उसके अंदर है। बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बीच में क्या भरा हुआ है, पेरिलिम्फ, और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर क्या भरा हुआ है, एंडोलिम्फ। ठीक है, ओके। फिर आप देखें कि जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है जो बोनी लेबिरिंथ के अंदर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो वेस्टिबुलर अपरेटस और एक आपकी एक तो गया वेस्टिबुलर अपरेटस और एक हो गया कॉक्लिया। वेस्टिबुलर अपरेटस जो है वो ऊपर की तरफ होता है, और वेस्टिबुलर अपरेटस में 3 तो हैं सेमी सर्कुलर केनाल जो एक दूसरे के 90 एंगल पे मौजूद होती हैं, और एक होता है ओटोलिथ ऑर्गन। सेमी सर्कुलर केनाल जो है उसके बेस फुला हुआ होता है जिसको एम्पिला कहते हैं, उसके अंदर रिसेप्टर होते हैं क्रिस्टा एम्पिलेटिस, हर ईयर के अंदर वो 3 होते हैं। और ओटोलिथ ऑर्गन जो होते हैं उसमें यूटिकुलस और सैक्यूल होती हैं, और उनके अंदर रिसेप्टर होते हैं मैक्यूली। तो मैक्यूली और क्रिस्टेम्पुलरिस ये दोनों हमारे जो है बैलेंस जो है उसके अंदर मदद करते हैं। ठीक है ना, कॉकलिया वाला जो पार्ट है वो थोड़ा नीचे की तरफ होता है, वेस्टिबुलर वाला पार्ट जो है ऊपर की तरफ होता है। तो ये फ्लो चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके, तो एक तो ये चीज याद रखनी है कि बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की व्यवस्था कैसी है। तो देखिए वेस्टिबुलर अपरेटस की बात यहाँ पर हुई है, और उसमें सेमी सर्कुलर केनाल है, और सेमी सर्कुलर केनाल जो हैं उनके बेस पर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है, और इसमें ये रिसेप्टर है इसको बोला गया क्रिस्टा एम्पुलेरिस, और क्रिस्टा एम्पुलेरिस जो है वो क्या मदद करेगा, डायनेमिक बैलेंस,
डायनेमिक बैलेंस, चलते वक्त हमारी बॉडी जो है उसकी पोजीशन का जो मैसेज है वो सेरिबेलम या ब्रेन के पास पहुंचता है, जिससे हमारे बैलेंस को मेंटेन करने में मदद मिलती है। ओके, फिर इस तरफ देखें कि सेमी सर्कुलर कैनाल के थोड़ा नीचे की तरफ ये जो है ये है ऑटोलिथ ऑर्गन, ऑटोलिथ ऑर्गन, और ऑटोलिथ ऑर्गन के अंदर दो स्ट्रक्चर होती है, जैसे एक को बोल दिया सेक्यूल, एक हो गया आपका यूट्रिकल, और उनके अंदर दोनों में रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं मैक्यूली। मैक्यूली जो है वो स्टैटिक बैलेंस के लिए, स्टैटिक बैलेंस, आप लोग एक जगह बैठे हो तो उस वक्त आपके बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। स्टैटिक बैलेंस के लिए जो मैक्यूली वो एक प्रकार का जी सेंसर है, वो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी को सेंस करता है, समझ रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि ए को दे रखा है सेक्यूल, तो ए सेक्यूल नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। ए को दे रखा है ऑटोलिथ ऑर्गन, ये परफेक्ट है। बी सेक्यूल सही है, सी यूट्रिकल सही है, उसके बाद में डी मैक्यूला सही है, उसके बाद ई जो है वो है एक मिनट, डी में क्या दिया है, डी में एम्पुला दिया है, तो डी में एम्पुला नहीं होगा, डी में तो मैक्यूला होगा, ये गड़बड़ हो गया। इसको चेक करते हैं कि ए ऑटोलिथ ऑर्गन, ए ऑटोलिथ ऑर्गन सही है, बी सेक्यूल, सी यूट्रिकल और डी मैक्यूला, डी मैक्यूला परफेक्ट है, और ई में क्या आ गया एम्पुला। इस तरीके से ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 4 का अपना यहाँ पे जो परफेक्ट हो जाता है थर्ड, ठीक है। बाकी ये देखिए इसके अंदर कि क्रिस्टा ए में क्रिस्टा एम्पुलरिस, तो ए में क्रिस्टा एम्पुलरिस जो ये भी यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। तो चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली है, ठीक है। चलो, उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए कि साउंड वाइब्रेशन आर पास्ड थ्रू द मिडल ईयर टू ओवेल विंडो, कि मिडल ईयर से जो साउंड वाइब्रेशन है वो ओवेल विंडो की तरफ पास होता है, ऑन टू द फ्लूइड ऑफ कॉक्लिया, ओके, वेयर दे जनरेट वेव इन लिम्फ इंड्यूस ए रिपेल इन द, कि आप लोग देखें कि हमारा जो ईयर पिन्ना है ये ईयर से साउंड वेव को कलेक्ट करता है, और ईयर से साउंड वेव को कलेक्ट करके इस केनाल के थ्रू वो टकराता है, किससे कलर चेंज कर देते हैं, ईयर ड्रम से, ठीक है। और उसके बाद में देखिए कि ये आपका मिडल ईयर है, इसको टिम्पेनिक केविटी भी कहते हैं, क्या बोलेंगे, टिम्पेनिक केविटी, और इनकी जो ऑसिकल्स हैं इन ऑसिकल्स से वो वाइब्रेशन जो है वो आपके इंटरनल ईयर में पहुंचता है, कॉक्लिया वाला पार्ट, और यहाँ पर विंडो, एक विंडो यहाँ पर है ना, ओवेल विंडो, राउंड विंडो, तो जब इनसे वाइब्रेशन आगे पहुंचता है तो एक तो ये साउंड वाइब्रेशन को अंदर पहुंचाती है और उनको 10 गुना बढ़ाती भी है, एम्पलीफाई भी करती है, और एम्पलीफाई करके उसको आगे इंक्रीज करती है। और आप लोग देखें कि इसका जो थोड़ा डायमीटर है वो इसके कंपेरिजन में ज्यादा होता है ना, तो ये विंडो भी 2.2 टाइम्स के लगभग इसको और साउंड वेव को एम्पलीफाई करते हुए आगे बढ़ाती है। तो अगर इसके इस तरफ वाइब्रेशन होता है तो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड के अंदर इस तरीके से वेव जनरेट होती है, समझ रहे हो। और अगर ये वाइब्रेशन बहुत तेजी से हो रहा है तो वेव तेजी से बनेगी बहुत सारी, और अगर वाइब्रेशन स्लो है तो वेव धीरे धीरे क्रिएट होती है। कुछ हम लोग कह सकते हैं कि पानी के अंदर आप लोग देखा होगा कि पानी का कोई टैंक है, एक तरफ अगर उसको टच करते हैं उसमें वेव जनरेट होती है, अगर तेजी से बार बार उसको हम लोग टच करेंगे तो वेव तेजी से बनेगी और छोटी छोटी फास्ट बनेगी, अगर धीरे टच करेंगे तो वेव बड़ी बनेगी और कम बनेगी, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अब इन फ्लूड वेव से अगर ये अगर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की होगी तो ये वेव जो है इसको नीचे धकेलेगी और इससे यहाँ वाला जो फ्लूड है उसमें वेव जनरेट होगी, और इससे बैसिलर मेम्ब्रेन जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ रिपेल करेगी, ये वाली मेम्ब्रेन। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें रिपेल इन द कि कौन सी जो मेम्ब्रेन है उसमें हलचल पैदा होगी, तो आप आंसर देना बैसिलर झिल्ली। ये एनसीईआरटी का ही जो है क्वेश्चन, एनसीईआरटी की लाइन है, आप लोग उसमें याद रख सकते हो,
एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। इसमें आप लोग ये सोच सकते हो कि सबसे पहले तो ये जो मेम्ब्रेन है जो रीजनल है ये मूवमेंट करेगी, लेकिन एनसीईआरटी लिखा कि इससे जो वाइब्रेशन है वो यहाँ पहुँचता है और इसके अंदर हलचल क्रिएट होती है। फायदा भी इसी से होगा क्योंकि रिसेप्टर इसी के ऊपर है, तो उनसे फिर जो मैसेज है एक्शन पोटेंशियल वो हमारे ब्रेन के पास जाता है कॉक्लियर नर्व के थ्रू। सेंसरी नर्व है ये नंबर आपकी 8, ठीक है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 5। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, विच पार्ट ऑफ ईयर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी एंड मूवमेंट। ओके, तो ग्रेविटी और मूवमेंट जो है उससे हमारा ईयर का कौन सा पार्ट प्रभावित होगा। हम लोगों ने बात की कि ये ना एक जो है वो वेस्टिबुलर अपरेटस होता है, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा कॉक्लिया वाला पार्ट हो गया, है ना। तो ये वेस्टिबुलर अपरेटस है जिसमें सेमी सर्कुलर केनाल हो गई, ये यूट्रिकल हो गया और मिलकर के ये क्या बना रहा है, वेस्टिबुलर अपरेटस। इसमें सेमी सर्कुलर केनाल ऊपर की तरफ है, यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं, ये यूट्रिकल हो गया, ये सैक्यूल हो गया, तो ये जो है हमारे बैलेंस में मदद करता है, स्टैटिक बैलेंस में भी और डायनेमिक बैलेंस में भी। तो कॉकलिया हो नहीं सकता क्योंकि ये तो हियरिंग से संबंधित है, ईयर ऑसिकल साउंड वेव को ट्रांसफर करती ये नहीं होगा, और ऑर्गन ऑफ कॉल्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉल्टाई तो कॉकलिया की बेसिलर मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं जिसकी चर्चा आगे करेंगे, और ये हियरिंग में मदद करती है, मैकेनिकल रिसेप्टर है, ये बैलेंस में मदद नहीं करते, है ना। तो आंसर अपना कौन सा हो गया यहाँ पे, वेस्टिब्यूलर प्रणाली उपकरण, वेस्टिब्यूलर अपरेटस, जिसमें दो बातें हो गई, सेमी सर्कुलर केनाल ऊपर की तरफ 3 और उनमें रिसेप्टर कितने 3, नाम क्या है एम्पुलरिस, क्रिस्टा एम्पुलरिस, फंक्शन क्या है डायनेमिक बैलेंस। नीचे की तरफ ऑटोलिथ ऑर्गन 2 चीज, यूट्रिकल सैक्यूल, उनमें रिसेप्टर कौन सा मैक्यूली, ठीक है। बढ़ते आगे, ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो आई से है, पूछा है आयोडोप्सिन पिगमेंट इरिथ्रोलेब, मतलब आयोडोप्सिन पिगमेंट की बात की जा रही है, और आयोडोप्सिन जो पिगमेंट है वो भाई रोड सेल फोटो रिसेप्टर सेल दो है, रोड और कोन, रोड में रोडोप्सिन और कोन में आयोडोप्सिन, और कोन 3 प्रकार की आप लोग जानते हो ऑप्सिन के बेसिस पे, क्योंकि जो चाहे रोडोप्सिन हो चाहे आयोडोप्सिन हो, इन दो घटक इनके होते हैं ऑप्सिन और रेटिनल। तो जो आयोडोप्सिन है उसमें 3 प्रकार के ऑप्शन की वजह से वो अलग अलग कलर को सेंस करने में मदद करता है, इरिथ्रोलेब रेड के लिए, क्लोरोलेब जो है वो आपका ग्रीन के लिए, और उसके बाद में साइनोलेब जो है वो आपके ब्लू के लिए। तो इस तरीके से पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका इसके अंदर परफेक्ट हो गया, ठीक है, रेड ग्रीन और ब्लू। इन तीनों प्रकार की जो कौन कोशिकाएं हैं, कौन सेल्स हैं, इनको जब स्टिमुलेशन मिलता है तो हमें अलग अलग टाइप के कलर जो है वो दिखाई देते हैं। इन ये तीनों मिलकर के इनके जो कॉम्बिनेशन है वो 17,000 भिन्न प्रकार के कलर हमें दिखा सकते हैं। अगर तीनों प्रकार की कौन बराबर जो है प्रेरित हों तो हमें सफ़ेद कलर नज़र आता है, ठीक है। इनमें डिफेक्ट की वजह से आगे हम लोग बात भी करेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर क्रिएट होता है जो कलर ब्लाइंडनेस है, जो हम लोग चर्चा करेंगे आगे, एक्सलिंक्ड डिसऑर्डर है ये, एक्सलिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वी मूव फ्रॉम डार्क टू लाइट, ओके, जब हम अंधेरे से लाइट में जाते हैं तब क्या होता है, वी फेल टू सी फॉर सम टाइम, हम कुछ टाइम तक देख नहीं सकते, आंखें बंद हो जाती है, बट सून द विजिबिलिटी बिकम नॉर्मल। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जब हम लोग लाइट से अंधेरे में जाते हैं तब भी कुछ टाइम के लिए ऐसा ही होता है, तो ऐसा क्यों होता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं अडेप्टेशन, ठीक है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, म्यूटेशन जीन से रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं होता है, फोटो पीरियोडिज्म ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है जिसमें लाइट के अकॉर्डिंग उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें परिवर्तन होता है, अलग अलग जो एक्टिविटी है उनकी बदलती है, चीज़ अलग होती है, और अकोमोडेशन अलग प्रोसेस है, ये दूर की और पास की चीज को देखने के लिए हमारा जो लेंस वगैरह है उसकी शेप में परिवर्तन होता है, उसकी चर्चा भी आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन इसमें नहीं हो सकते, सेकंड परफेक्ट, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 9 द ऑर्डर ऑफ थ्री लेयर ऑफ सेल्स इन रेटिना ऑफ ह्यूमन आई फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड अंदर से बाहर की तरफ जो है ऑर्डर पूछा हुआ है आई बॉल के अंदर आपको याद रखना है कि जैसे आई बॉल है तो इसकी लेयर अगर हम लोग देखें तो आपको पता है कि सबसे बाहर जो है वो स्क्लेरा है एस मतलब स्क्लेरा फिर कोरोइड और फिर जो है वो आपका मान लो इसको थोड़ा ब्रॉड कर लेते हैं फिर आ गई आपकी रेटिना रेटिना में पिगमेंटेड लेयर हो गई है ना पिगमेंटेड लेयर और उसके बाद में उसके अंदर फोटो सेंसरी सेल्स हो गई जिसके अंदर रोड एंड कॉन फिर बाइपोलर और फिर गैंग्लियोनिक सेल तो इस तरीके से आप लोग देखें कि जो रेटिना वाला पार्ट है आपका सबसे अंदर की तरफ उसमें बाहर की तरफ एक पिगमेंटेड लेयर है ये नॉन नर्वस लेयर है अंदर वाली नर्वस लेयर है जो विजन में मदद करती है और इसके अंदर तीन सेल्स का ऑर्डर में याद रखना है बाहर की तरफ फोटो रिसेप्टर सेल है ये दोनों फोटो रिसेप्टर सेल है रोड और कॉन बीच में बाइपोलर है और सबसे अंदर की तरफ गैंग्लियोनिक सेल्स है तो हमें क्वेश्चन में देखना है कि आपको क्या पूछा है इनसाइड टू आउटसाइड तो इनसाइड ये है अंदर की तरफ गैंग्लियोनिक सेल फिर बाहर की तरफ बाइपोलर और फिर रोड एंड कॉन तो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड तो इनसाइड ये तो हो नहीं सकता तो बीच में है गैंग्लियोनिक सेल फिर रोड और कॉन सीधा आ गया ये गड़बड़ हो गया गैंग्लियोनिक सेल ओके बाइपोलर मध्य में फोटो रिसेप्टर सेल सबसे बाहर रोड एंड कॉन तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा परफेक्ट इसमें हो गया थर्ड वाला फोर्थ देखें फोटो रिसेप्टर सेल सबसे अंदर नहीं है फोटो रिसेप्टर सेल तो सबसे बाहर है ठीक है तो सबसे अंदर गैंग्लियोनिक सेल फिर बाहर बाइपोलर और सबसे बाहर फोटो रिसेप्टर सेल तो इनसाइड टू आउटसाइड पूछा है या आउटसाइड टू इनसाइड पूछा है इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है यहां पर इनसाइड टू आउटसाइड है इनसाइड टू आउटसाइड तो गैंग्लियोनिक सेल बाइपोलर और फोटो रिसेप्टर सेल आउटसाइड टू इनसाइड पूछे तो फोटो रिसेप्टर सेल बाइपोलर सेल और फिर गैंग्लियोनिक सेल ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट दिया जिसे हमें पढ़ना है और फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहां पर गलत का चुनाव करना है आपने किया भी होगा तो देखें सबसे पहला एनाटॉमिकली संरचनात्मक रूप से द ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर सेक्शन कॉल्ड आउटर मिडल एंड इनर ईयर संरचनात्मक रूप से जो कान है उसको बाहरी मध्य और आंतरिक कर्ण में विभाजित किया जाता है और किया भी गया है सही है ऑप्शन ओके सेकंड देखते हैं आउटर ईयर बाहर वाला जो कान है उसमें क्या क्या है उसमें ईयर पिन्ना है उसमें एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस के अलावा भी है परफेक्ट तीसरा देखते हैं द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ओके जिसको ईयर ड्रम कहते हैं इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन आउटसाइड नो ये होगा इनसाइड विद स्किन इनसाइड नो ये होगा आउटसाइड तो यहां पर तो आना चाहिए था आउटसाइड और यहां पर आना था इनसाइड यानी जो टिम्पेनम है अगर बाहर की तरफ देखें हम लोग तो बाहर की तरफ तो वो स्किन से कवर्ड है और अंदर की तरफ अगर हम लोग देखें तो अंदर की तरफ म्यूकस वाली लेयर है जी समझ आई एनसीईआरटी की लाइन है तो ये वाला यहाँ पर रॉन्ग हो गया इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं बच्चों चलो अब डी देखें द ईयर ऑसिकल रिड्यूस नो अभी चर्चा हुई थी कि जो कर्ण अस्थियां हैं वो साउंड को एम्पलीफाई करती है रिड्यूस नहीं करती है तो द ईयर ऑसिकल रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव टू इनर ईयर नहीं ये गलत हो गया और गलत क्यों हुआ रिड्यूस की वजह से फिर द पिन्ना कलेक्ट वाइब्रेशन इन एयर ये तो सही है कि जो ईयर पिन्ना है वो एयर में से साउंड वाइब्रेशन जो उसको कलेक्ट करता है अलग अलग डायरेक्शन से इसके लिए कुछ जो मैमल हैं उनमें ईयर पिन्ना मूवेबल होता है जैसे हम लोग बात करें तो हमारे अंदर ये मूवेबल नहीं है वेस्टिजियल मसल्स होती है उसके लिए ना चलो तो हमें पूछा क्या था इनकरेक्ट तो इनकरेक्ट इसमें कौन सा हो गया सी एंड डी तो ए और बी होना नहीं है बी और सी भी नहीं होना है सी और डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे सामने है तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसके अंदर हमारा आंसर नंबर
थ्री जो है वो परफेक्ट है। ठीक है, चले आगे आओ। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने चर्चा कर ली। क्वेश्चन नंबर 11, द पॉइंट ऑफ आई वेयर विजुअल एक्यूटी रेजोल्यूशन इज ग्रेटेस्ट। ओके, तो सबसे बाहर स्क्लेरा, फिर कोरोइड, एक मिनट को कलर चेंज करते हैं इसका, कि स्क्लेरा और फिर कोरोइड और फिर आपकी रेटिना वाला पार्ट, इसमें पिगमेंटेड लेयर और फिर नर्वस लेयर। तो आप लोग देखें कि जो नर्वस लेयर है तो वहां पर आप लोग देखें कि जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है, यहां पर जैसे मैंने ये जो डायग्राम बनाया है वो किसका बनाया है, येलो स्पॉट का, येलो स्पॉट, और इसी को बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। ठीक है, मैक्यूला ल्यूटिया। इसमें आपको यहां पर जो ये सेल्स नजर आ रही है ये केवल कॉन्स है, ये केवल कौन से, क्योंकि मैक्यूला ल्यूटिया में केवल कौन सेल्स होती है, रोड वहां पर एब्सेंट होती है। ओके, उसके बाद में आप लोग देखें कि इन सेल्स का जो अरेंजमेंट, आपको पता है कि सबसे बाहर फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं और फिर उनसे कनेक्टेड होती हैं बाइपोलर सेल्स। तो ये सारी बाइपोलर सेल्स हो गई, बाइपोलर सेल्स इनसे कनेक्टेड है, इस तरीके से इनसे भी बाइपोलर सेल्स, और इनसे बाइपोलर सेल्स इस तरीके से कनेक्टेड होकर के आप लोग देखें ऐसे बाहर की तरफ जा रही है, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ जा रही है, और बाई, ये हो गई बाइपोलर, और उसके बाद में इनसे कनेक्टेड होती है गैंग्लियोनिक सेल, ये कनेक्शन हो गया गैंग्लियोनिक सेल्स का, इधर भी है ना, ये गैंग्लियोनिक सेल्स, मार्क कर देता हूं गैंग्लियोनिक सेल्स। ओके, अब ये जो मैक्यूला ल्यूटिया है, येलो स्पॉट, इसके सेंटर में आप लोग देखें एक थिन आउट पार्ट है। आप लोग देखें कि यहां से इन सेल्स को ऐसे बाहर की तरफ हटा दिया गया है, और इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि ऑब्जेक्ट जो है उससे जो साउंड रेज, सॉरी साउंड नहीं, उससे जो लाइट रेज आ रही है टकरा करके, वो सीधा आप लोग देखें कि वो वेव सीधा किस पे अप्लाई हो रही है, वो सीधा गिरेंगी ये ब्लैक कलर वाली कौन सी सेल, कौन सेल पे। इससे फायदा क्या हुआ कि बाइपोलर और गैंग्लियोनिक सेल यहां से हटा दी गई है, मतलब साइड कर दी गई है, ताकि लाइट जो वो सीधा इसके ऊपर गिरे, और इसीलिए यहां पर विजुअल एक्टिविटी सबसे अच्छी होती है, रेजोल्यूशन जो इमेज बनती है उसकी बहुत बढ़िया बनती है। और इस पार्ट को जो नाम दिया गया है वो जो है आपका फोविया सेंट्रलिस, फोविया सेंट्रलिस। तो मैक्यूला ल्यूटिया जो है उसके सेंटर में फोविया सेंट्रलिस होता है, इसको आपको याद रखना है, न कि फोविया सेंट्रलिस में मैक्यूला ल्यूटिया। तो आप लोग देखें कि द पॉइंट ऑफ आई वेयर द विजुअल एक्यूटी रेजोल्यूशन इज ग्रेटेस्ट, आंख का वह बिंदु जहां पे दृश्य क्रियाशीलता सबसे अच्छी होती है। तो ब्लाइंड स्पॉट तो होगा ही नहीं वहां पर, नहीं तो रोड होती है, नहीं कौन होती है, वहां से तो ऑप्टिक नर्व बाहर जाती है। मैक्यूला ल्यूटिया नहीं, मैक्यूला ल्यूटिया तो पूरा येलो स्पॉट है। फोविया जो है, फोविया सेंट्रलिस ये वाला पार्ट, यहाँ पे सबसे अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे लाइट सीधा कोन के ऊपर गिरती है। बाकी आप लोग देखें कि यहां अगर हम लोग देखें तो यहां से लाइट जब आएगी तो पहले गैंग्लियोनिक सेल, फिर बाइपोलर सेल, और फिर वो कौन पे गिरती है। येलो स्पॉट के अलावा भी अगर हम लोग बात करें तो लाइट जो है ऑब्जेक्ट से जो टकरा कर आई है, कॉर्निया, एक्वस चैम्बर, प्यूपिल, फिर लेंस, फिर विट्रियस फ्लूइड जेली वर्क की फॉर्म है, और फिर गैंग्लियोनिक सेल, फिर बाइपोलर सेल, और फिर रोड एंड कौन पे गिरती है, समझ रहे हो। तो रोड एंड कोन तक लाइट पहुंचने के लिए लाइट को गैंग्लियोनिक सेल और एक्सोनिक सेल की लेयर को क्रॉस करना पड़ता है, हालांकि उस लाइट का उन पर असर नहीं पड़ता है क्योंकि वो फोटो रिसेप्टर सेल नहीं है। तो येलो स्पॉट में भी फोविया सेंट्रलिस के अंदर वो लाइट इनको क्रॉस ना करके सीधा इस पे गिरे,
इसलिए ये व्यवस्था हुई और ये सेल अलग से हट गई और इसी को क्या बोला गया, फोविया सेंट्रलिस। ठीक है, आओ तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, चले आगे। तो आपको याद है कि कौन सी स्ट्रक्चर किसके अंदर है, मैक्रोल्यूडिया जो है उसके अंदर कौन है आपका फोविया। ठीक है, चलो विच इट्स इनकरेक्ट, ओके गलत देखना है अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ विजन। ओके, विजन की मैकेनिज्म के लिए जो है वो हमें रॉन्ग वन देखना है। एक बार थोड़ा सा अगर मैं बताऊं कि सबसे पहले लाइट गिरेगी फोटोरिसेप्टर सेल्स पे, लाइट गिरते ही जो रोडोप्सिन या आयोडोप्सिन है इसकी फोटो ब्लीचिंग होगी, इसमें जो ऑप्सिन है उससे रेटिनल अलग हो जाएगा, अलग होते ही मेम्ब्रेन जो है उसकी परमेबिलिटी में बदलाव आएगा, उससे बदलाव जो आएगा तो उस लाइट के गिरने से पहले मेम्ब्रेन बाहर वाली मेम्ब्रेन पे सोडियम चैनल होता है वो ओपन रहता है जिससे सोडियम का इनफ्लो होता है, यानी जब लाइट नहीं गिरी है तब वो डीपोलराइज रहती है। जैसे लाइट गिरती है मेम्ब्रेन परमेबिलिटी में बदलाव आता है, वो चैनल बंद हो जाता है, सोडियम का इनफ्लो बंद हो जाता है और वो डीपोलराइज की जगह हाइपरपोलराइज हो जाती है और इससे उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसका इफेक्ट बाइपोलर पे जनरेट होता है और बाइपोलर में भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और उसकी वजह से गैंग्लियोनिक सेल जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट किसने किया, गैंग्लियोनिक सेल ने, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कहाँ पे हुआ, आपकी फोटोरिसेप्टर सेल्स और फिर बाइपोलर में, लेकिन उन दोनों ने एक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं किया, वो गैंग्लियोनिक सेल करेगी। एक उसने आया हुआ भी है कि जब लाइट नहीं गिरती है ना उस दौरान फोटोरिसेप्टर सेल जो होती है वो किस रूप में होते हैं, तब वो डीपोलराइज होते हैं, ये एक्सेप्शन है बाकी के रिसेप्टर से, लेकिन जब लाइट गिरेगी तब वो हाइपरपोलराइज हो जाएगा। बाकी के रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर हैं, दूसरे मैकेनिकल रिसेप्टर हैं, इन सब में जब बी स्टिमुलस मिलेगा इनको प्रेरित किया जाएगा तब वो डीपोलराइज होती है, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग आपको याद रखना है। चलो देखते हैं कि लाइट रेज इन विजुअल वेवलेंथ फोकस ऑन रेटिना, है ना, कि दृश्य तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकस होती है। ओके, ये सही है, यहां तक सही है। और इससे क्या हुआ, इंड्यूस डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन, और इससे जो रेटिनल है वो ऑप्सिन से अलग हो जाएगा और इससे परिणाम क्या हुआ, रिजल्टिंग चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन, इससे जो ऑप्सिन है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर बदलाव हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर सेकेंड है, ड्यू टू द चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर जनरेटेड इन फोटोरिसेप्टर सेल। तो ये दोनों तो परफेक्ट हो गए, जैसा अभी अपन लोगों चर्चा की, और पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पर जनरेट हुआ वो डीपोलराइज किस गए, हाइपरपोलराइज हो गई। चलो, ए सिग्नल इज प्रोड्यूस इन फोटोरिसेप्टर सेल दैट जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन बाइपोलर सेल। नो, एक्शन पोटेंशियल तो आपके गैंग्लियोनिक सेल में होगा, किसकी हेल्प से, बाइपोलर की हेल्प से। और यहाँ पे क्या लिख दिया कि जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन बाइपोलर सेल थ्रू गैंग्लियोनिक सेल। नो, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर ये होता, ये ऑप्शन का परफेक्ट हो सकता था कि सिग्नल इज प्रोड्यूस इन फोटोरिसेप्टर सेल दैट जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन गैंग्लियोनिक सेल थ्रू बाइपोलर सेल, तब परफेक्ट हो जाता, तो ये गड़बड़ हो गया। चौथा देखते हैं, द एक्शन पोटेंशियल इंपल्स आर ट्रांसमिटेड बाय ऑप्टिक नर्व टू विजुअल कॉर्टेक्स, हमारा विजुअल कॉर्टेक्स एरिया जो है वहां पर मैसेज जाएगा, और द ब्रेन वेयर द न्यूरल इंपल्स, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आर एनालाइज्ड, ओके, एंड इमेज फॉर्मड ऑन द रेटिना इज रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन अर्लियर मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। जैसे पहली बार हम लोग किसी को देखते हैं तो उसको पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि पहली बार उस व्यक्ति से जो लाइट रेज हमारी आईज से होती हुई हमारे ब्रेन के ऑसिपिटल लोब में गई है तो वो डेटा पहली बार वहाँ पे गया है तो उसको स्टोर किया जाता है। उसी व्यक्ति से जब दोबारा हम लोग मिलते हैं उससे लाइट रेज फिर हमारी आईज से ब्रेन के पास जाती है, उसको हम लोग तुरंत पहचान लेते हैं। क्यों? क्योंकि अर्लियर उसके लिए इन्फॉर्मेशन ब्रेन के अंदर है। ठीक है, चले आगे। तो गलत बेटा ये ऑप्शन भी परफेक्ट हो गया, तो रॉन्ग वन कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे आपका गलत हो गया। ठीक है, चले आगे। ओके, अगला क्वेश्चन आई के डिफेक्ट से रिलेटेड, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि देखो कि एक तो है
मायोपिया, मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस, इसको निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसमें पास का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। और मायोपिया वाली जो कंडीशन है उसमें आई बॉल जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में लंबा हो जाता है। नॉर्मली आई बॉल जो है वो इस तरीके से है और ऑब्जेक्ट से जाने वाली रेज जो है वो यहाँ पर फोकस हो जाती है, लेकिन मायोपिया जो है उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर जो एक्सिस है उसमें आई बॉल जो है वो लंबा हो जाता है। और इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट से लाइट है वो रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है यहाँ पे, ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष में। तो इसमें आप लोग देखें कि जो इमेज बनी और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच की डिस्टेंस इसके अंदर कम हो गई है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष बोला। हालांकि पास की चीज तो यहाँ पे फोकस हो जाएगी, पास के ऑब्जेक्ट को जो देख रहे हैं, लेकिन दूर का जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी रेज रेटिना से पहले ही आ गई। तो इसका क्योर जो है वो हम लोग कर सकते हैं किससे, अवतल लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है। तो ये तो मायोपिया के लिए था, शॉर्ट साइटेडनेस के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए। अगर हम लोग बात करें जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, इसमें दूर का तो देखेगा लेकिन पास का दिखाई नहीं देगा। इसमें तो आई बॉल लंबा हुआ था लेकिन इसमें जो है आई बॉल जो नॉर्मली है इसमें आई बॉल छोटा हो जाएगा। उसमें आई बॉल के छोटे होने से जो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जा रही है वो रेटिना के बाद फोकस हो रही है। और आप लोग देखें कि इसमें ऑब्जेक्ट और जो इमेज बनी उसके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई है, इसलिए इसको लॉन्ग साइटेडनेस, दूर दृष्टि दोष कहा गया है। तो इसमें दूर का तो नजर आएगा लेकिन पास का जो है उसकी इमेज रेटिना के बाद बन रही है। तो इसके लिए जो क्योर करने के लिए जो लेंस यूज में लिया जाएगा वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस नॉलेज को। चलो, हाइपरमेट्रोपिया ना, The image is formed before retina. नहीं, before retina तो myopia में होता है तो गलत हो गया। Before the retina इसलिए गलत हो गया। फिर second, behind the retina, देखिए behind the retina and corrected by convex lens. Perfect हो गया। इसमें image जो है वो retina के बाद बनेगी। और कैसा lens जो है use करेंगे, convex उत्तल lens। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि eye bone जो था वो anterior posterior axis से छोटा हुआ था। फिर तीसरा ऑप्शन और देख लेते हैं, बिफोर रेटिना तो होना ही नहीं है, बिहाइंड द रेटिना एंड करेक्टेड बाय कनकेव, नहीं कनकेव तो यहां कम ले रहे हैं। तो बताओ क्या ऑप्शन होना चाहिए 13 के अंदर, 13 के अंदर आपका आंसर हो गया सेकंड। तो बड़े अगले क्वेश्चन में चलो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें पूछा कि द डायमीटर ऑफ प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय, प्यूपिल जो है उसका डायमीटर व्यास जो है वो कैसे नियंत्रित होता है। आप लोग देखें कि जैसे ये आपका आयरिस वाला पार्ट है और जो आयरिस है उसमें बेटा दो टाइप की मसल्स होती है। आयरिस जो है उसमें दो टाइप की मसल्स है, इसमें आप लोग देखें कि ब्लू कलर में जो मैंने दिखाया वो है सर्कुलर मसल और ब्लैक कलर वाली जो है वो हो गई आपकी रेडियल मसल। ओके, तो सर्कुलर और रेडियल जो दो टाइप की यहां पर मसल्स है, तो जब भी सर्कुलर जो पेशियां हैं इनमें संकुचन होगा तो संकुचन और डायमीटर, तो जब भी सर्कुलर पेशी जो है उसमें संकुचन होगा तो देखिए कि ये स्पिंचर है, ये अवरोधनी है और वो कुछ जैसे इस तरीके से सर्कुलर पेशी है। तो जब भी संकुचन होगा सर्कुलर में तो उससे ओपनिंग जो है वो रिड्यूस होती जाएगी ऐसे, और अगर वो सर्कुलर मसल रिलैक्स है तो ओपनिंग ब्रॉड हो जाएगी। ऐसा ही हमारी जीआईटी के अंदर जो स्पिंचर है उनके साथ कॉन्सेप्ट है, उसमें भी तो मस्कुलरिस है और उसमें जो स्पिंचर है वो आपकी मस्कुलरिस के अंदर सर्कुलर पेशियां बनाती है।
तो सर्कुलर पेशियों में जब भी संकुचन होता है तो व्यास कम हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि जब भी सर्कुलर पेशी में संकुचन होगा तो प्यूपिल का डायमीटर कम हो जाएगा, और डायमीटर के रिड्यूस होने से आप लोग देखें प्यूपिल का डायमीटर जो है वो क्या हो जाएगा, कम। और अगर रेडियल पेशी जो है उसके अंदर संकुचन हुआ तो इससे रेडियल पेशियां इसको बाहर की तरफ लेंगी, ऐसे रेडियल पेशियों में संकुचन ये इसको बाहर खींचेगा ऐसे, और इससे जो प्यूपिल है इसका डायमीटर बढ़ जाएगा। तो आप लोग देखें कि यहां पर तो डायमीटर जो है वो कम हुआ है प्यूपिल का, और यहां पर प्यूपिल का डायमीटर बढ़ गया है। तो इस तरीके से आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है, नोट कर ले। तो अब इसमें क्या होना चाहिए, द डायमीटर ऑफ प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय मसल फाइबर ऑफ सीलियरी बॉडी। नहीं, सीलियरी बॉडी जो है, जो सीलियरी बॉडी है उसी तो सस्पेंशन लिगामेंट जुड़े हुए हैं, और वो लेंस से कनेक्टेड है, और वो लेंस की शेप को कंट्रोल करते हैं, उसकी चर्चा अभी आगे हम लोग करेंगे, ये नहीं होगा। मसल फाइबर ऑफ आयरिस, या बिल्कुल परफेक्ट, ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। मसल फाइबर ऑफ लेंस, ऐसा कुछ नहीं होता है। लिगामेंट ऑफ सीलियरी बॉडी, नहीं, अपना इसके अंदर परफेक्ट ऑप्शन 14 के अंदर जो है वो आपका सेकेंड बेड साइड है, ठीक है, चले आएंगे। अगला क्वेश्चन, ओके, यहाँ पे एक आई का फिगर दिया है, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना, बच्चों वाला जो सही है तो मैं लेबल कर देता हूँ। ए वाला जो पार्ट है ये तो है आपका येलो स्पॉट, और बी वाला पार्ट जो वो है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। और आप लोग देखिए कि यहां पर सी डी और ई, ये आई बॉल की अलग अलग लेयर है जिसमें डी सबसे अंदर है, तो डी तो होना चाहिए रेटिना, और सी मध्य में है, सी होना चाहिए कोरोइड, और ई सबसे बाहर है, ये होना चाहिए स्क्लेरा, है ना। और कोई कुछ बचा, बस सारे हो गए, चलो मैच कर लेते हैं। सी स्क्लेरा है क्या, देखो सी स्क्लेरा नहीं, सी कोरोइड, तो ये हमारा यही गलत हो गया। फिर देखना डी स्क्लेरा है या उधर, डी स्क्लेरा नहीं, डी तो रेटिना है ना, स्क्लेरा तो ई है, तो ये भी गलत हो गया। फिर देखना ई स्क्लेरा है या ई, ई यहाँ पर ये है, ई स्क्लेरा है, ओके, सी रेटिना है क्या, सी रेटिना नहीं है, सी तो कोरोइड है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया, इसको तो बोला हटाना पड़ेगा। चलो डी रेटिना है, डी रेटिना है, परफेक्ट है। ई स्क्लेरा है, ई स्क्लेरा है, सी कोरोइड मिडल, सी कोरोइड परफेक्ट, और ए फोविया येलो स्पॉट, फोविया सेंट्रलिस परफेक्ट, ठीक है, और बी ब्लाइंड स्पॉट, बी ब्लाइंड स्पॉट, तो ऑप्शन हो गया अपना फोर्थ, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, ये हो गया 50। चले आगे, व्हाट आर करेक्ट अबाउट साइनोवियल जॉइंट, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, मुक्त रूप से गति करने वाले, और इन साइनोवियल जॉइंट जो हैं उनके बीच में आप लोगों को पता है कि जैसे दो बोन हैं, दो बोन जो हैं उनके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, इसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इस मेम्ब्रेन में तरल भरा होता है, और फ्रीली ये मूवमेंट करते रहते हैं। ये कार्टिलेज भी होती है, इसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, इसको कवर करती है, जिससे दो बोन के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादातर जॉइंट इसी टाइप के होते हैं, तो बाल एंड सॉकेट जॉइंट साइनोवियल है, पाइवोट साइनोवियल है, हिंज जॉइंट साइनोवियल है, कार्टिलेजिनस जॉइंट साइनोवियल में नहीं आता है। इसमें कुछ मूवमेंट हो सकती है ना, ये इम्परफेक्ट प्रकार का जॉइंट है, है ना, तो ये वाला इसमें ओड वन हो गया। तो इसमें हमें करेक्ट साइनोवियल के लिए पूछा है, तो एक दो और तीन, एक दो और तीन आपका करेक्ट यहाँ पर हो गया, एक और दो नहीं, एक और केवल एक और दो नहीं, क्योंकि पूरा परफेक्ट ऑप्शन तो एक दो तीन है ना, चार आ गया इसलिए गलत हो गया, और एक और तीन नहीं, जब हमारे पास तीनों ही साइनोवियल है तो हम लोग तीनों को ही यहाँ पे लेंगे, तो 16 जो है क्वेश्चन नंबर उसके अंदर आपका वन हो जाएगा, ठीक है, चले आगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर अफेक्ट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन
लीडिंग टू फैटिक वीकनेस पैरालिसिस, ये एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। इसमें व्यक्ति के अंदर थकावट कमजोरी आ जाती है, मसल में पैरालिसिस आ जाता है और इसके अंदर जो मोटर न्यूरॉन मसल से जहाँ पे कनेक्टेड होता है वहाँ पर पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं SCH का ग्राही SCH रिसेप्टर, और उसके लिए ऑटो एंटीबॉडीज बन जाते हैं और वो ऑटो एंटीबॉडी बन के उसकी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देते हैं। इससे मसल डिपोलाइज ना होकर के जो है वो खत्म एक तरीके से डीजनरेट होने लगती है। तो ये माइस्थीनिया ग्रेविस जो है वो एक न्यूरोलॉजिकल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को गड़बड़ करने वाला एक डिसऑर्डर हो गया। मस्कुलर डिस्ट्रोफी अलग है, ये जेनेटिक है। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड है और टिटनेस जो है वो अलग कारण से होता है। तो ऑप्शन अपना यहाँ पर कौन सा हो गया 17 का, फर्स्ट माइस्थीनिया ग्रेविस। कह सकते हैं कि एक ऑटो इम्यून डिजीज AID है। नीट में आ सकता है आपको निम्न में से कौन सा एक ऑटो इम्यून डिजीज है या नहीं है। ठीक है, चले आगे। तो 17 के अंदर आपका वन फर्स्ट जो परफेक्ट हो जाएगा। चले मैचिंग वाला क्वेश्चन है, दो कॉलम है उनके अंदर हमें मैच करना है। चलो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है तो एक का होना चाहिए 3। मैस्थीनिया ग्रेविस अभी अभी बात की थी, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है तो बी का होना चाहिए 2। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड है जिसके अंदर हड्डियां कमजोर होने लगती है कैल्शियम की कमी की वजह से, तो ये सी का 1 हो जाएगा। एस्ट्रोजन की कमी की वजह से महिलाओं में देखा गया है 45-50 की एज के बाद में जब मेनोपॉज हो जाता है तो एस्ट्रोजन का लेवल कम होने से ऐसा होता है। ठीक है, टिटेनी जो है उसके अंदर हल्के कॉन्ट्रैक्शन फील होते हैं तो डी का 4 हो गया। और गाउट जो है वो क्या है, गाउट में जॉइंट्स जो है उसके अंदर क्या होने लगता है, इन्फ्लामेशन यूरिक एसिड के डिपॉजिट होने के कारण। तो ए का तीन, बी का दो, C का 1, D का 4 और E का 5। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो 18 के अंदर हमारा हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्केलेटन सिस्टम पे, और इसमें आपको चीजें जो फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद है आपको पढ़ा है, चलो देख लेते हैं। उसमें हमें जो है वो करेक्ट मैचिंग जो है वो देखनी है। तो स्केलेटन सिस्टम इसमें एक्सियल हो गया, उपांग या अपेंडिकुलर। ठीक है, स्कल, पहले एक्सियल की बात कर लेते हैं जिसमें स्कल आ गई, इसके अंदर आपकी जो है वो वर्टिब्रा भी आ गई, स्टर्नम आ गई, इसके अलावा इसमें हमारी रिब्स आ गई। ठीक है, और ये लगभग 80 बोन हो गई यहाँ पर। फिर यहां अगर हम लोग देखें तो अपेंडिकुलर ए में आ गया, लिम्स आ गए और ये आ गया आपका गर्डल, ये हमारा गर्डल। चलो तो अब देख लेते हैं, ए में अपेंडिकुलर परफेक्ट है, बी जो है उसके अंदर क्रेनियम तो स्कल के साथ ही आ गया ना, तो ये हमारा गड़बड़ हो गया। ए गर्डल सीधा, ए गर्डल नहीं, ए अपेंडिकुलर सही है, बी वर्टिकल कॉलम सही है, सी रिब्स सही हैं और डी गर्डल ये भी सही है। तो ये हमारा परफेक्ट थर्ड वाला हो गया। 4 क्यों गलत हो गया, ए अपेंडिकुलर सही है, सी बी क्रेनियम सीधा क्रेनियम तो इसके साथ ही तो गड़बड़ हो गया नहीं, और सी को फिर फेशियल दे दिया, फेशियल बी स्कल के साथ ही आती, ये भी गड़बड़ हो गया। तो 19 जो है उसके अंदर हमारा परफेक्ट जो मैच के साथ वो ऑप्शन नंबर 3 बैठ जाएगा। ठीक है, चले आगे। आओ फिर फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे करेक्ट मैच हमें देखना है। बॉल और सॉकेट जॉइंट जो है यानी साइनोवियल जॉइंट है ये, तो ये कहाँ होना चाहिए, ये ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल में, तो ए का 5। हिंज जॉइंट जो है ये वाला कब्जासन जिसको बोलते हैं, तो हिंज जॉइंट जो है वो हमारे घुटनों में है, 4 हो गया। पाइवोट जॉइंट जो है वो एटलस और एक्सिस के बीच में, 2nd हो गया। और सैडल जॉइंट जो है वो अंगूठे वाला कार्पल और मेटाकार्पल है ना, तो इस डी का 1 हो गया। तो ए का 5 दो जगह आ रहा है और देख लेते हैं, बी का 4
बी का फोर भी दो जगह आ रहा है, सी का सेकंड, सी का सेकंड ईयर और डी का वन ईयर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 120 के अंदर परफेक्ट हो गया। ठीक है, चले आगे आओ। फिर स्केल्टन सिस्टम से रिलेटेड है, ओके, यहाँ पर वही करेक्ट मैचिंग वाला हमें देखना है। चलो देख लेते हैं। तो ए जो है वो आपका जो बोन है ये कॉक्सल बोन है ना, और ये पेक्टोरल गर्डल और ये पेल्विक गर्डल, अंश मेखला श्रोणी मेखला। चलो तो एक कॉक्सल बोन अर्धांश में अगर बात करें तो ये तो आपका हुआ इलियम, और ये वाला जो है वो आपका हो गया प्यूबिस, बी आपका इशियम है ना, और ई को एक साथ दे दिया, कॉक्सल ले सकते हैं कॉक्सल, और जो डी वाला है इसको आप लोग कहोगे ये तो सेक्रम वाला पार्ट था वर्टिब्रल कॉलम में लास्ट, ये हो गया सेक्रम। ठीक है, तो ए इलियम, ए इलियम बैठ रहा है, बी इशियम, बी इशियम बैठ रहा है, सी प्यूबिस हो रहा है, डी सेक्रल या सेक्रम ठीक है, और ई कॉक्सल बोन भी हमारा परफेक्ट इसके अंदर हो गया है। ठीक है ना, और ऑप्शन के अंदर अगर हम लोग देखें यहाँ पर बी में इलियम दिखा रखता गड़बड़ हो गया, तो सी के अंदर इलियम, सी इलियम, सी जो प्यूबिस है तो ये भी गड़बड़ हो गया, बी इलियम, बी इशियम है तो ये वाला भी हमारा गड़बड़ हो गया। तो 21 के अंदर आंसर क्या होना चाहिए, 21 में आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही है, बस आपको इसके अंदर जो फिगर दी एनसीईआरटी में उसकी लेबलिंग अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके, फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन है, रिस्ट बोन, तो कलाई की जो अस्थियां हैं उसके अंदर आपके जो है इसमें क्या बोल कि मैचिंग करना, ओके, तो रिस्ट कलाई के अंदर आपके कार्पल्स, थाई के अंदर जो है वो फीमर, एंकल एडी वाला जो है वो आपका टार्सल, और हथेली के अंदर मेटाकार्पल और डिजिट फेलेंजेज। ठीक है, इसको हम लोग यहां पे लिख देते हैं, तो एक का दो इन दो जगह आ रहा है, फिर बी का फाइव, बी का फाइव ये रहा, तो यानी इसका मतलब है हमारा ऑप्शन यही है, सी का फोर है, ये देखना चेक कर लेते हैं, सी का फोर ये रहा, और डी का वन डी इसमें दिया है, डी का वन दिया है यहाँ पे, तो डी का वन हो रहा है, और ई का थ्री भी हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें 22 के अंदर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है, ए फ्रंटल बोन है, बी जो है वो आपकी पैराइटल बोन है, और सी टेम्पोरल बोन है, और जो डी है वो ऑसिपिटल बोन है, और कुछ है और नहीं है, देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं, तो ए को जो है वो पैराइटल दे रखा, गड़बड़ हो गया, बी को पैराइटल सही है, ए ऑसिपिटल नहीं है, ए वाला तो फ्रंटल हो गया ना, तो गड़बड़ कर दिया, बी पैराइटल है, गया चेक करो ना, बी पैराइटल सही है, डी ऑसिपिटल, डी ऑसिपिटल, ए फ्रंटल, ए फ्रंटल, और सी टेम्पोरल, सी टेम्पोरल कहाँ अभी, सी टेम्पोरल। ठीक है, तो ये तो हमारा परफेक्ट मैच हो गया। 23 जो है उसके अंदर हमारा थर्ड, सिंपल सा एनसीईआरटी बेस्ड है, इसमें और भी लेबलिंग हटाई जा सकती है, इनका अगर पूछ रहे तो क्वेश्चन टफ हो सकता है, जैसे स्फिनोइड, इथमोइड, लैक्राइमल बोन, इनमें आपकी दिक्कत हो सकती है, तो थर्ड ऑप्शन अपना इसके अंदर परफेक्ट हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो ऑप्शन है इनको मतलब स्फिनोइड, इथमोइड, लैक्राइमल, इन बोन को हायोइड, इनको लेबलिंग भी देख लेना, अगर इनको बाय चांस हटा के पूछ लिया तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ये याद नहीं रहते हैं, अच्छे से रिवाइज किए तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। चलो नंबरिंग से संबंधित है, तो ये अपना पूरा स्केल्टन सिस्टम है जिसके अंदर अलग अलग तरीके से बोन को दिखा रखा है, टोटल बोन कितने हैं 206, एक्सियल स्केल्टन में कितने हैं 80, अपेंडिकुलर जो स्केल्टन है उसके अंदर हम लोग अभी बात कर लेते हैं, तो
तो स्कल जो है उसके अंदर टोटल कितनी है 29। क्रैनियल बोन की अगर हम लोग बात करें, क्रैनियल बोन हमारी 8 है, इसमें पेड भी और अनपेड भी है। फेशियल बोन 14 है, हायोइड 1 है, ईयर ओसिकल टोटल अगर देखें तो वो 6 हो गई है, ठीक है। तो अपेंडिकुलर में 126, ठीक है। तो देख लेते हैं वो ऑप्शन, तो ए का 80 दो जगह है, फिर बी 126 यहां पर भी 126 दिया है, C29 यहां पे भी दिया है और यहां पे भी दिया है। अभी तक तो दोनों ही लग रहे हैं। डी देख लेते हैं, डी क्या है अभी, डी आपका जो है ये रहा, डी 8 होनी चाहिए, तो डी यहां पर क्रेनियल बोन यहां पे 14 दे रखी है, यहां पर 8 है, ये वाला अपना परफेक्ट है। ई 1 है, ई 1 हो ही गया, और फिर एफ हमारा 6 हो गया, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3rd 24 के अंदर आपका परफेक्ट बैठ जाएगा, ठीक है। चले आगे, तो 24 जो है उसके बाद में 25 की बात कर लेते हैं। ओके, एक सार्कोमियर का फिगर है, ठीक है। तो आप लोग देखें कि जो 1 है ये है आपकी जेड लाइन, 2 वाला जो पार्ट है ये वाला, ये है आपका ए बैंड, ठीक है। उसके बाद में 4 जो है वो है एच जोन, ठीक है। 5 जो है वो पूरा का पूरा सार्कोमियर है, और 3 जो है वो है आई बैंड। सिंपल से क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। तो सेकंड में आई बैंड दिया है, सेकंड में आई बैंड है गया नहीं, सेकंड में तो ए बैंड है तो गलत हो गया। थर्ड में आई बैंड दिया, थर्ड क्या है ये रहा, थर्ड आई बैंड सही है। सेकंड में ए बैंड दिया है, सही है। फर्स्ट में जेड लाइन दी है, सही है। फाइव में सार्कोमियर सही है, और 4 में एच जोन सही है। तो ये अपना परफेक्ट ऑप्शन सेकंड मिल जाएगा, बाकी आप देख सकते हो गलत कराने के लिए ऑप्शन दे रखे हैं। तो 25 जो है उसके अंदर आपका सेकंड ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, ओके। ये एक थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट पतले तंतु है, एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं। दो प्रकार के फिलामेंट होते हैं मायोफाइबल में, थिन और थिक। तो थिन फिलामेंट के अंदर आप लोग देखिए, ये ए तो है ट्रोपोनिन, तीन है ना, सी ट्रोपोनिन, टी ट्रोपोनिन और इनहिबिटरी आई ट्रोपोनिन, और बी जो है वो है ट्रोपोमायोसिन, और सी जो है वो है एफ एक्टिन। इसके अंदर ये जो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन है, ये नियामक प्रोटीन है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन है, और पेशी संकुचन के दौरान इनमें संकुचन नहीं होता, ये तो उनका नियमन करेंगे, लेकिन संकुचन किसमें होगा, एफ एक्टिन। चलो देख लेते हैं कि ए एफ एक्टिन, ये तो ट्रोपोनिन गलत हो गया। बी एफ एक्टिन, बी क्या देगा ना, बी तो ट्रोपोमायोसिन है, ये भी गलत हो गया। सी एफ एक्टिन परफेक्ट है। ए ट्रोपोनिन चेक करो, ए ट्रोपोनिन बैठ रहा है, बी ट्रोपोमायोसिन है क्या, चेक करना, बी ट्रोपोमायोसिन है, ये वाला हमारा आंसर मिल गया। इसमें बी को एफ एक्टिन बता रखा है, बी तो ट्रोपोमायोसिन है, तो ये भी गलत हो गया। तो 26 जो है उसके अंदर ऑप्शन नंबर 3rd आपका परफेक्ट हो जाएगा। चले आगे, ओके। अब एक बार आप लोग यहां ध्यान दें कि ये पेशी संकुचन के दौरान स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को इसमें एक्सप्लेन किया गया है, और इसमें आप लोग देखें कि सबसे पहले जब मायोसिन के हेड पे एडीपी की फॉर्म में वो एडीपी जुड़ा हुआ है, तो वो जो एक्टिन फिलामेंट है उसके साथ कनेक्ट हुआ है, और कनेक्ट होने के बाद में जब क्रॉस ब्रिज बना, मायोसिन का हेड जुड़ गया है, तो फिर वो उसको स्ट्रोक लगा रहा है, ये वाला स्ट्रोक लग रहा है, जिससे ये जो एफ एक्टिन है वो अंदर की तरफ एच जोन की तरफ बढ़ रहा है, और फिर जैसे ही अब इस दौरान एडीपी तो हट जाता है, और हटते ही एडीपी के अब ये जो मायोसिन का हेड इस एक्टिन से अगर इसको हटाना है तो इस पर क्या जोड़ना पड़ेगा, एटीपी को जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही एटीपी जुड़ती है
तो मायोसिन जो है वो एक्टिन से हट जाता है और मसल रिलैक्स हो जाती है और अगला राउंड फिर शुरू होता है। तो ए बी और सी के लिए हम लोग अगर यहाँ पे देखें कि क्या पूछ रहे हैं, फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग हमें यहाँ पे पूछी जा रही है। तो ए में दिया है कि क्रॉस ब्रिज बन रहा है, ए कहाँ है ये वाला। तो ए में क्रॉस ब्रिज की अगर बात करें कि क्रॉस ब्रिज बन रहा है, तो क्रॉस ब्रिज तो वैसे यहाँ बन चुका है एक तरीके से, और देख लेते हैं सी फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। नहीं, सी इसमें तो क्रॉस ब्रिज टूट चुका है, ये भी यहाँ पर गड़बड़ हो गया। फिर तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, बी में फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज हो रहा, क्रॉस ब्रिज का निर्माण हुआ है। फिर सी दे रखा है कि क्रॉस ब्रिज टूट गया है, हाँ टूट गया क्योंकि एटीपी जुड़ गई है, और जब भी एटीपी जुड़ेगी तो मायोसिन का हेड एक्टिन से हट जाएगा और पेशी रिलैक्स हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि पेशियों के संकुचन के लिए भी एटीपी चाहिए और पेशियों के शिथिलन के लिए भी एटीपी का निर्माण, सॉरी एटीपी का जो की उपस्थिति होनी चाहिए। तो सी ये ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज परफेक्ट है। ए दे रखा है रोटेशन और स्लाइडिंग, ए के अंदर देखो कि ये जो थिक है उस पर थिन स्लाइड कर रहा है, तो ये वाला परफेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा बैठ जाएगा। ये क्या हो गया, सी फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, नहीं सी तो टूट गया, तो ये वाला गलत हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना था, ठीक है चले आगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 और इसके अंदर अपना आंसर हो गया 27 के बाद नेक्स्ट जो है 28 की हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा मायोसिन के हेड के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको जो मायोसिन है, मायोसिन की जो यूनिट है उसको बोलते हैं मीरोमायोसिन, और मीरोमायोसिन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेवी मीरोमायोसिन, एक होता है लाइट मीरोमायोसिन HMM और LMM। तो पीछे की तरफ जो है वो लाइट मीरोमायोसिन होता है और आगे की तरफ हेवी मीरोमायोसिन की मौजूदगी होती है। अब इसमें दो हेड नजर आ रहे हैं, इसमें आप लोग देखिए कि जो सी साइट है, सी साइट को आप लोग बोलोगे कि एक्टिन बाइंडिंग साइट, और जो ए है, ए जो है वो है मायोसिन का हेड, मायोसिन हेड, और डी जो है इसको आप लोग बोलोगे एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट, यहाँ पर एटीपी जुड़ती है, और बी जो वो क्रॉस आर्म हो गई, बी को आप लोग कह सकते हो क्रॉस आर्म, क्रॉस भुजा। तो मायोसिन के हेड पे तो होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट और एक्टिन पे होती है मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो जो एटीपी बाइंडिंग साइट है ना, ये एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी रखता है जिसको एटीपेज एंजाइमेटिक एक्टिविटी कहा गया, जिसको कुछ कोफैक्टर की नीड होती है। चलो अब मैच कर लेते हैं कि ए को HMM, LMM, बी, ये सीधा यहाँ पर हम लोग इनकी बात नहीं करेंगे। सेकंड ऑप्शन देखो कि ए हेड है, ए के लिए क्या दे रखा है मायोसिन हेड, ठीक है, बी क्रॉस आर्म हो सकती है, सी एटीपी बाइंडिंग साइट, सी एटीपी बाइंडिंग साइट नहीं है, सी तो हो जाएगी एक्टिन बाइंडिंग साइट। फिर इसको देखते हैं, ए हेड, ए हेड हो गया, बी क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज चलो ठीक है, क्रॉस ब्रिज या क्रॉस आर्म भी कहा जा सकता है, चलो देखते हैं आगे। सी एक्टिन बाइंडिंग साइट, सी वाला जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है, और डी है एटीपी बाइंडिंग साइट, बी एटीपी बाइंडिंग साइट बैठ सकती है। और ये देखते हैं कि ए हेड क्रॉस आर्म और सी में जो एक्टिन बाइंडिंग साइट और डी जो वो है एटीपी बाइंडिंग साइट, तो एटीपी बाइंडिंग साइट सेम हो रहा है, हेड सेम हो रहा है, एक्टिन बाइंडिंग साइट सेम हो रही है, लेकिन क्रॉस आर्म या क्रॉस ब्रिज की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 28 जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग देखें कि क्रॉस आर्म और क्रॉस ब्रिज ये दो आपको सेलेक्ट करने हैं। तो बी वाला देखें तो ये आपकी क्रॉस आर्म जो है वो यहाँ पे परफेक्ट है क्योंकि इसके अंदर ब्रिज उसके साथ वो कनेक्टेड नहीं दिखा रखा है ना, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर परफेक्ट बैठ जाएगा। तो
ऑप्शन नंबर 428, ठीक है, बढ़िया है। एक बार एनसीईआरटी के अंदर इसका डायग्राम भी दे रखा है, उसमें भी आप लोग देखिए नामांकन इसी तरीके से किया हुआ है, ठीक है। तो 28 के बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे एक फिगर दी है और इसके अंदर हमें जो है वो करेक्ट मैच देखना है। ए क्लेविकल, कलर बदल देते हैं, बी स्केपुला, ये तो एनसीईआरटी की डायग्राम है, आपको इजीली याद हो जाएगी, और सी रेडियस, और डी अल्ना, ये कार्पल है तो यहाँ पर ये हो जाएगी मेटा कार्पल। आप लोगों को याद रखना कि जो अंगूठा है उसकी तरफ जो है रेडियस है, आपका जो अंगूठा इस तरफ अंदर की तरफ रेडियस, और अब देखो रेडियस जो है वो बाहर की तरफ चली गई है, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो ए क्लेविकल है लेकिन यहाँ पे स्केपुला दिखा रखा है, गड़बड़ हो गया। ए क्लेविकल, बी स्केपुला सही है, सी को अल्ना दिखा रखा है, गड़बड़ हो गया। ए क्लेविकल, बी स्केपुला, सी रेडियस, डी अल्ना और ई मेटाकार्पल, ये परफेक्ट हो गया। थर्ड अपना परफेक्ट हो गया। फोर देख लेते हैं, ए क्लेविकल को कॉलर बोन भी कह सकते हैं, बी स्केपुला, सी रेडियस, डी अल्ना, लेकिन रिस्ट बोन, ई रिस्ट बोन, रिस्ट बोन तो कार्पल्स हो गई ना कि कलाई वाली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना थर्ड 29 के अंदर परफेक्ट बैठ जाएगा। चले आगे, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज कॉमन कॉज ऑफ, कि उम्र के साथ साथ महिलाओं में अगर देखें तो जब मेनोपॉज होता है तो मेनोपॉज के बाद में ओवरी के अंदर जो पुट्टक होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, वो गोनेडोट्रोपिन के लिए इतना प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं, है ना। और इससे जब वो पुट्टक परिपक्व नहीं होंगे तो ओवरी जो है अंडाशय जो है वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निर्माण बंद कर देता है, और जब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तो उससे उनकी महिलाओं की जो अस्थियाँ हैं उनमें जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है वो प्रभावित होता है और वो कम होने लगता है और इससे हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। तो एस्ट्रोजन लेवल का जो कम होना है, एस्ट्रोजन इज कॉमन कॉज ऑफ, तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। चलो, गाउट इज ड्यू टू, गाउट जो उसके अंदर जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड जो है उसके डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म की वजह से वो इकट्ठा होने लगता है, तो कैल्शियम का इसमें कोई रोल नहीं है। और लो यूरिक एसिड नहीं, ये क्या होता है, हाई होता है ना। और एक्युमुलेशन ऑफ नाइट्रोजिनस बेस प्रोडक्ट, ये परफेक्ट हो जाएगा। और इसमें भी जो प्यूरीन है उससे ज्यादा क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड 31 के अंदर परफेक्ट, बढ़िया है। चलो, दो कॉलम है उनको मैच करना और करेक्ट कॉम्बिनेशन जो है उसको हमें देखना है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, ओके, कार्टिलेजिनस जॉइंट में लिमिटेड मूवमेंट होती है, कुछ मूवमेंट होती है। फाइब्रस जॉइंट में तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती है, और साइनोवियल जॉइंट जो उसमें अच्छी तरीके से मूवमेंट होती है। तो ए का तो हो गया कौन सा, थर्ड। तो आप लोग देखिए कि ए का थर्ड कार्टिलेजिनस जॉइंट है, लिमिटेड मूवमेंट है, बी का फर्स्ट कोई मूवमेंट नहीं होती, और सी जो है उसका आपका बैठ गया अच्छे तरीके से मूवमेंट, कंसिडरेबल मूवमेंट सेकेंड। तो ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड 32 के अंदर थर्ड हो गया। आगे बढ़े, चलो, एक्रोमियल प्रोसेस जो है वो किसका भाग है, तो आप लोग ये देखो, ये जो पेक्टोरल गर्डल है तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि इसमें एक्रोमियल प्रोसेस होती है, तो पेक्टोरल गर्डल जो है वो आपके एक्रोमियल जो प्रोसेस है उसका हिस्सा होती है। चले आगे, ठीक है। तो 33 जो क्वेश्चन है उसके बाद में आगे बढ़ते हैं 34 के। तो स्कल की अगर हम लोग बात करें तो हमारी जो स्कल है उसके अंदर जो ऑसिपिटल बोन होते हैं उसमें फोरामेन ऑफ मैग्नम होता है, उसके दोनों तरफ दो कोंडाइल होते हैं, इनको ऑसिपिटल कोंडाइल कहते हैं। और ये ऑसिपिटल कोंडाइल अगर देखें तो ये वर्टिब्रल कॉलम की जो फर्स्ट वर्टिब्रा है एटलस उसके फेसेट से जुड़ते हैं, लेकिन फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल की अगर हम लोग बात करें तो फिश, अगर मैं कहूं कि मोनो कोंडाइलिक स्कल,
जो होती है उसमें एक ही कोंडाइल होता है, एक नहीं होता, एक होता है डाइकोंडाइलिक, डाइकोंडाइलिक। तो फिश जो है उसके अंदर मोनोकोंडाइलिक है, एम्फीबियन में डाइकोंडाइलिक होता है, एम्फीबियन में डाइकोंडाइलिक होता है, रेप्टाइल जो है उसमें मोनोकोंडाइलिक है, बर्ड्स जो है उसमें मोनोकोंडाइलिक है, और मैमल जो है उसके अंदर डाइकोंडाइलिक है। यानी डाइकोंडाइलिक स्कल जो है जिसके अंदर दो कोंडाइल हो, वो एक तो है एम्फीबियन में और एक है मैमल में, बाकी मछलियों में, रेप्टाइल में और जो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, इनके अंदर मोनोकोंडाइलिक स्कल ही पाई जाती है ना, मोनोकोंडाइलिक डाइकोंडाइलिक नहीं है। जो एम्फीबियंस है, एक मतलब एम्फीबियंस, इनमें जो है डाइकोंडाइलिक है, मोनोकोंडाइलिक नहीं। रेप्टाइल में मोनोकोंडाइलिक और बर्ड्स में मोनोकोंडाइलिक और मैमल जो है उसके अंदर डाइकोंडाइलिक। ठीक है, तो स्कल ऑफ रैबिट और मैन, मैन यानी ये कौन है मैमल, तो मैमल्स की जो स्कल है वो कैसी हो जाएगी, डाइकोंडाइलिक। ठीक है, मसल जो एक विशिष्ट प्रकार का उत्तक है, स्पेशल है, इसका ओरिजिन सिंपल सा मेसोडर्मल है। फिर ईयर ऑसिकल में जो इनकस है वो किसका मॉडिफिकेशन है, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि मेलियस इनकस स्टेपेज, तो ये तो हो गई आपकी बोन, ये हो गया अदर नेम और ये हो गया मॉडिफिकेशन। यहां पर देखें, मिस हैज ए क्वालिटी हस्बैंड, इस तरीके से ट्रिक आपको याद रखनी है कि जो मिस है उनके पास क्वालिटी हस्बैंड है, जो काफी घर के कार्यों में निपुण है, पोछा लगा सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं, खाना बना सकते हैं, अच्छी क्वालिटी होगी। तो मेनियस इनकस टेपिक, तो मेनियस का अदर नेम क्या है, हैमर, इनकस का एनविल, और जो स्टेपिज है उसका जो स्टीरप। फिर मेनियस जो है वो आपकी कौन सी बोन का मॉडिफिकेशन है, ये आर्टिकुलर बोन, आर्टिकुलर बोन, और जो इनकस है वो किसका है, क्वाड्रेट बोन, क्यू का मतलब क्वाड्रेट बोन, और स्टेपी जो है वो एच का मतलब हायो मैंडिबुलर। इस तरीके से इस ट्रिक से आपको ये तीनों बातें याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें कौन सा पूछा, इनकस का पूछा कि किसका मॉडिफिकेशन है, इनकस के सामने क्यू आ रहा है, यानी क्वाड्रेट बोन, थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, चलो organ of corti send information to brain through, organ of corti मतलब ear की बात हो रही है और ये sensory nerve की बात हो रही है, cranial nerve, और sensory cranial nerve जो है वो आपकी है four, जिसको auditory nerve भी कहते हैं, auditory nerve। ठीक है ना, तो 37 जो है उसके अंदर आपका option number four perfect हो जाएगा। okay, membranous labyrinth is surrounded by a fluid covered, membranous labyrinth जो है वो किस fluid से घिरा हुआ है, आज आते ही शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि bony labyrinth और ये membranous labyrinth, membranous labyrinth और ये हो गया bony labyrinth, और जो bony labyrinth है उसमें जो तरल भरा हुआ है वो कैसा है, perilymph, और membranous labyrinth जो है उसमें जो fluid भरा हुआ है कैसा है, एंडोलिम्फ। ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ किस से घिरा हुआ है, यानी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ पेरिलिम्फ से घिरा हुआ है, तो उसके बाहर है, घिरा हुआ मतलब जो बाहर की तरफ, तो आंसर हो जाएगा इसमें क्या, पेरिलिम्फ। 38 जो है उसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। चलो, स्केला टिम्पेनी इज कनेक्टेड टू स्केला वेस्टिबुली बाय, ओके आज ही बताया आपको मैंने डिस्कशन में शुरुआत में ही कि स्केला वेस्टिबुली और टिम्पेनी आपस में हेलिकोट्रीमा जो है उससे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ओपेसिटी ऑफ आई लेंस की जो आई लेंस है उसकी पारदर्शिता
जो है वो कम हो जाती है ना। तो ऐसा कब होता है कि अगर इसकी पारदर्शिता हो जाए, सॉरी इसकी पारदर्शिता अगर कम हो जाए तो उससे क्या होगा, इससे फिर जो रेज है वो रेटिना तक पहुंचेंगे नहीं, यानी इसके अंदर मोतियाबिंद जो है आपका 14 जो उसके अंदर पारदर्शिता जो है वो कम हो जाती है, कैटरेक्ट। ठीक है, फिर लेंस जो उसको रिमूव करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, नया लेंस डाला जाता है। ओके, ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग बैक्टीरियल लाइसोजाइम। ओके, आंखों से संबंधित है, मीबोमियन ग्लैंड ऑफ मोल, ग्लैंड ऑफ जेस अगर की बात करते हैं, सीबेसियस है ना, और ये ऑयल प्रोड्यूस करती है आंखों के अंदर, आईलिड वगैरह में, आईलेसेस की ओपनिंग जो रूट्स होती हैं वहां पर मौजूद होते हैं। लैक्राइमल जो ग्लैंड है इसको टीयर ग्लैंड भी कहते हैं, जो टीयर्स हमारे आंसू होते हैं उनमें लाइसोजाइम होता है, और ये प्रकार का जो है फिजियोलॉजिकल बैरियर भी है इनेट इम्यूनिटी के अंदर, कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में छिद्र उत्पन्न करता है, परफोरेशन करता है जिससे उनकी डेथ हो जाती है। तो ऑप्शन जो है 41 के अंदर हमारा कौन सा हो जाएगा, 4। ठीक है, आगे चलें। मैचिंग वाला है, तो इसमें देखिए कि रॉड सेल जो है वो स्कोटोपिक विजन है रात्रि के समय, और रॉड से और ट्री लाइट विजन भी उसी को कहते हैं, कम प्रकाश में कम लाइट में। और कौन की अगर हम लोग बात करें तो कौन के लिए फोटोपिक विजन हो जाएगा, लाइट वाला हो जाएगा डे लाइट में, और कौन कलर विजन में मदद करती है, यानी ए का तो हो गया फर्स्ट और थर्ड, ये देखो फर्स्ट और थर्ड इसमें भी है फर्स्ट और थर्ड, लेकिन इसमें 5 भी है, यानी ए का फर्स्ट थर्ड, और जो बी है उसका हो जाएगा सेकेंड 4 और 5, यानी हमारा आंसर हो गया 42 के अंदर कौन सा होना चाहिए, 42 में थर्ड आंसर हो गया। चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ आईबॉल कंटेन मेनी ब्लड वेसल लुक ब्लूइश इन कलर। आईबॉल की जो लेयर हाईली वेस्कुलर होती है ब्लू कलर में नजर आती है, वो आपकी स्क्लेरा नहीं है, कोरोइड परत जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 43 जो है उसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका सेकंड परफेक्ट है, जीआरटी की लाइन है। आईबॉल से रिलेटेड कितनी मसल्स हैं, हमारी जो आईबॉल है उसके चारों तरफ 6 मसल कनेक्टेड होती हैं, जिनको जिसको थर्ड फोर्थ और सिक्स्थ जो क्रेनियल नर्व हैं वो कंट्रोल करती हैं। ठीक है ना, इसमें आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व सप्लाई टू आईबॉल, अभी बताया भी था आपको मैंने, सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ, ऑक्लोमेटर, ट्रॉक्लियर और एब्डुसेंस, मोटर नर्व है। ठीक है, याद रखना था। ह्यूमन हाइंड ब्रेन कंप्राइज 3 पार्ट, वन ऑफ विच इज, हाइंड ब्रेन जो है उसमें पॉन्स है, उसमें मेडुला है और सेरिबेलम है। तो सेरिब्रम तो नहीं है, तो 4 ब्रेन का पार्ट हो गया। हाइपोथैलेमस जो है वो 4 ब्रेन में ही है, कॉर्पस कैलोसम 4 ब्रेन में, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करता है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, कॉर्पस कैलोसम किस में पाया जाता है, देखो कॉर्पस कैलोसम जो है ये ब्रेन की दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करता है, और ये जो फीचर कॉर्पस कैलोसम वाला ये मैमल का है, ये मैमेलियन फीचर है, और मैमल में भी प्रोटोथीरिया में एब्सेंट है, मेटाथीरिया जो है उसमें कुछ डेवलप हुआ है, लेकिन यूथीरियन जो है ना प्लेसेंटेलिया उनमें परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमें मैमल देखना है, ये एलिफेंट मैमल है, तो थर्ड परफेक्ट हो जाएगा। चलो, एक आदमी एक रूम में आया और अचानक उसने दरवाजे के सामने सांप को देखा, तो उसमें क्या हुआ होगा ना, मतलब इमरजेंसी की कंडीशन है, सिंपेथिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होगा, हार्ट रेट बढ़ेगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगी, है ना, ये सब उसमें होना चाहिए। तो सिंपेथिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड एंड एड्रेनलिन नोर एड्रेनलिन रिलीज फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स, नहीं मेडुला आना चाहिए था, तो गलत हो गया। सिंपेथिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड, बिल्कुल सही है, एंड एपिनेफ्रिन नोर एपिनेफ्रिन रिलीज फ्रॉम एड्रेनल मेडुला, ये परफेक्ट है, वो देख लेते हैं। FFF हार्मोन, फियर फाइट जो है 3F रेस्पॉन्स भी इसको कहा गया है, तो ये वाला भी इसके अंदर आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सेकेंड भी और थर्ड भी। ठीक है, तो 48 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 48, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर
फोर परफेक्ट है, थ्री अप रेस्पॉन्स कहा जाता है इसको। When a neuron is in resting state, okay, कोई उसमें कंडक्शन नहीं हो रहा, तब एक्सोन मेम्ब्रेन के साथ क्या हुआ? देखो उस दौरान जो है सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा, उस दौरान लीकी चैनल तो हर वक्त काम करते हैं, जिनसे लीक चैनल सोडियम का भी होता है पोटेशियम का भी होता है, और आपको पता है कि बाहर की तरफ सोडियम ज़्यादा है पोटेशियम कम है, अंदर सोडियम कम है पोटेशियम अंदर ज़्यादा है। अब ये जो एक्जोलिमा है इस पे पंप होता है Na प्लस K प्लस पंप, इससे तीन सोडियम को बाहर भेजा जाता है और दो पोटेशियम इससे अंदर आते हैं। इस पे लीक चैनल भी होते हैं, लीक चैनल जिससे सोडियम अंदर और पोटेशियम बाहर मूव करता है, ये हमेशा खुले रहते हैं। और इसमें वोल्टेज गेटेड चैनल भी होते हैं, तो वोल्टेज गेटेड सोडियम भी है और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम भी है, और पोटेशियम है तो पोटेशियम बाहर जाएगा और सोडियम है तो सोडियम अंदर आएगा। इसमें आपको याद रखना है कौन सा अंदर आएगा कौन सा बाहर जाएगा, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग है, ये सब पैसिव है, लेकिन ये गेटेड चैनल है जो पर्टिकुलर वोल्टेज मिलने पर खुलेंगे, और ये नॉन गेटेड चैनल है ये हमेशा खुले रहते हैं, लीक चैनल बोलते हैं। जब एक न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में है यानी पोलराइज है, उस वक्त ये दोनों ही काम नहीं करेंगे, ये तो हमेशा वर्क कर रहे हैं, तो इनके वर्क करने से सोडियम अंदर आ गया पोटेशियम बाहर चला गया, इससे मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब होता है, तो जो पोटेशियम बाहर चला गया उसको ये पंप वापस लाता है, और जो सोडियम अंदर आ गया उस सोडियम को ये वापस बाहर फेंकता है। इसका मतलब है कि रेस्टिंग पोटेंशियल को किसने मेंटेन किया, न्यूरॉन को किसने पोलराइज रखा, पंप ने, इन दोनों ने जो रायता खिलाया उसको इसने सही किया। अगर ये पंप काम करना बंद कर दे तो अंदर सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि सोडियम अंदर आ रहा लीक चैनल से, और बाहर किसका लेवल बढ़ जाएगा पोटेशियम का। ये भी बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि अगर पंप काम न करे तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखें कि जब एक न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में है तो क्या होगा, तो कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू के प्लस, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एंड नियरली इम्परमिएबल टू एन ए प्लस, ये परफेक्ट है। और ये जो परमिएबिलिटी की बात की जा रही है वो इन लीक चैनल से हो रहा है, इसमें ये लीक चैनल फास्ट होता है ये स्लो होता है, ये तो उल्टा कर दिया, इक्वली परमिएबल नहीं है और दोनों के लिए इम्परमिएबल भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें हमारा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस है मेनिंजेस का आउटसाइड से इनसाइड, तो आपको पता है ड्यूरामेटर फिर एरेक्नोइड मैटर और फिर कौन सा होता है पाइलोमीटर होता है, तो ड्यूरा एरेक्नोइड और पाइलोमीटर क्या है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। 50 में आपका सेकंड। चलो हमारे नर्वस टिश्यू का 50% से भी ज्यादा पार्ट जो है वो कौन बनाता है, तो इसमें आपको याद रखना न्यूरोग्लियल सेल जो है वो 50% से भी ज्यादा पार्ट बनाता है, ये जो दोनों वो इसी के अंदर आ गए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड परफेक्ट हो जाएगा। जो ब्रेन वाला पार्ट है ब्रेन जो है वो है फोर ब्रेन मिड ब्रेन ये हाइंड ब्रेन है ना, फोर ब्रेन जो है उसको प्रोसेंसिफलोन भी कहते हैं, प्रोसेंसिफलोन, इसके अंदर जो है एक तो है टिलेन सिफलोन टिलेन, एक डाइएन डाइएन सिफलोन, तो टिलेन सिफलोन जो है उसमें तो कौन आ जाएगा आपका सेरिब्रम सेरिब्रम परमस्तिष्क, और डाइएन सिफलोन में आ जाएगा आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन को मिसेन सिफलोन कहते हैं सिफेलोन, इसको होमबेन सिफलोन, आगे सिफलोन हो जाएगा। अब हाइंड ब्रेन जो होमबेन सिफलोन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो मीटेन सिफलोन मीटेन, एक है माइलेन। आप लोग देखिए कि जो हमारा ब्रेन वाला जो पार्ट होगा
तरीके से डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे, ये देखो, तो ये तो क्रॉस एनसेफेलॉन हो गया, ये बीच के अंदर आपका मिड ब्रेन हो गया, ये पॉन्स, ये सेरेबेलम और ये मेडुला। तो आप लोग देखें कि सेरेबेलम और पॉन्स पहले है, और जो पहले है वो मिटेन में हमें रखना है। एक तो जाएगा सेरेबेलम और एक आ गया आपका पॉन्स, और माइलिन सिफ्लोन जो है उसमें आ जाएगा आपका मेडुला। थोड़ा सा ये एक जैसे नाम है, इसमें ट्रिक यूज करनी है कि ई पहले आता है और वाई बाद में आता है। तो आपको यहाँ पे भी देखो कि पॉन्स और सेरेबेलम ऊपर की तरफ है और मेडुला बाद में आ रहा है, यानी बाद में जो आ रहा है यानी वाई बाद में आ रहा है। तो इस तरीके से वाई माइलिन सिफ्लोन को आपको मेडुला से रिलेट कर देना है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर के लिए जाना करेक्ट पूछ रहा है। तो मिसेन सिफ्लोन की अगर हम लोग बात करें तो मिसेन प्रोसेन सिफ्लोन, मिसेन सिफ्लोन, ये देखो मिड ब्रेन, ये परफेक्ट हो गया। माइलिन सिफ्लोन, माइलिन सिफ्लोन, ये देखो माइलिन सिफ्लोन, मेडुला होना था लेकिन सेरेब्रम दे रखा है, गलत हो गया। मिटेन सिफ्लोन, ये देखो मिटेन, मिटेन के लिए एक तो होना था पॉन्स, एक होना था सेरेबेलम, यानी ये इसके लिए तो मेडुला दे दिया, गलत हो गया। और टिलेन जो है उसके लिए क्या होना था आपका सेरेब्रम, लेकिन पॉन्स सेरेबेलम दे रखा, ये भी गलत हो गया। तो आंसर अपना 52 जो है उसके अंदर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लेना इसको। नेम में से कौन सा एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह बिहेव नहीं करता है? ये एनटीएम है, गामा एमिनोब्यूटायरिक एसिड, ये एनटीएम है, ये एनटीएम है, लेकिन कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, ये एनटीएम नहीं है, ठीक है। आर्बर व्हाइट एक ट्री की तरह होता है जो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर के मिक्स होने से बनता है, और ये आपका जो सेरेबेलम है उससे रिलेटेड पार्ट होता है। चलो, मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान जब भी मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है तो एटीपी टूट करके जो है वो एनर्जी देती है, यानी केमिकल एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर चेंज होती है। केमिकल एनर्जी यहाँ पर क्या है, एटीपी, और मैकेनिकल एनर्जी क्या है, पेशीय संकुचन, पेशीय संकुचन, ठीक है। तो फोर्थ परफेक्ट हो जाएगा। इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरॉन मेम्ब्रेन, ओके, एक न्यूरॉन मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट में है, यानी अंदर चार्ज माइनस और बाहर चार्ज प्लस, ठीक है। और फिर क्या कहा है, डिफ्यूजन इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इफ अलाउड देन, अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अगर डिफ्यूजन को अलाउ किया जाता है तो मूवमेंट क्या होगा। आपको अभी भी मैंने कहा कि सोडियम अंदर कम होता है, पोटेशियम अंदर ज्यादा होता है, और पोटेशियम बाहर कम होता है, और सोडियम बाहर ज्यादा होता है। तो कम से यानी सोडियम को अंदर आना चाहिए और पोटेशियम को बाहर जाना चाहिए। तो देख लो, के प्लस इन टू द सेल, नहीं, के प्लस तो बाहर जाएगा, K plus Na plus out the cell, दोनों नहीं, Na plus into the cell, ये perfect है, sodium अंदर आएगा high concentration से low की तरफ, only sodium out the cell, sodium तो बाहर जाए नहीं रहा ना, sodium तो अंदर आएगा, है ना। क्या लिखा है, diffusion due to concentration gradient, यानी passive transport हो रहा है, और potassium जो अंदर आता है वो active transport से आता है, और sodium जो बाहर जाता है वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आता है, ये दोनों सोडियम पोटेशियम पंप वाला, लेकिन यहाँ पर तो डिफ्यूजन की बात हुई, समझ रहे हो, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर थर्ड परफेक्ट हो जाएगा। चलें, लेबलिंग वाला क्वेश्चन है, बी आपका कॉर्पस कैलोसम हो गया, सी सेरेब्रम हो गया, ए पॉन्स हो गया ना, एनसीईआरटी का डायग्राम आप लोग कर लोगे। तो ए जो है उसके लिए देखो पॉन्स कहाँ है, ये लग, ए पॉन्स, बी कॉर्पस कैलोसम, और सी सेरेब्रम, ये हमारा परफेक्ट यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सेंटर विच कंट्रोल द थर्मो रेगुलेशन एंड अर्ज फॉर ईटिंग, यानी थर्मो रेगुलेशन और खाने की इच्छा, यानी ये पार्ट जो है वो आपका हाइपोथैलेमस से रिलेटेड हो जाएगा। 58 तक हम लोगों ने बात कर ली, तो 58 में सेकंड परफेक्ट हो गया।
नंबरिंग ऑफ वेगस नर्व, वेगस नर्व जो क्रेन भाई 12 जोड़ी 12 पेयर क्रेनियल नर्व है और 31 पेयर आपकी स्पाइनल नर्व है। तो वेगस नर्व कौन से नंबर पे, वेगस नर्व जो आपकी है क्रेनियल वो उसकी नंबरिंग है 10 59 में जो वेगस नर्व है वो आपकी लॉन्गेस्ट नर्व भी कहलाती है। ठीक है, सिंपैथिक नर्व इन मैमल अराइज फ्रॉम द सिंपैथिक नर्व। ओके, देखो नर्वो सिस्टम में सीएनएस और पीएनएस है। पीएनएस में सोमेटिक है और ऑटोनॉमिक है। ऑटोनॉमिक में जो है आपके मोटर न्यूरॉन की बात होती है जिसमें सिंपैथिक और पैरासिंपैथिक होता है। सिंपैथिक जो है वो आपका जो है स्पाइनल कॉर्ड से उसकी नर्व निकलती है और उसका जो पाथ आउटफ्लो है वो थोरेको लंबर आउटफ्लो होता है, यानी वो थोरेसिस और लंबर भाग से उनकी नर्व जो है वो बाहर की तरफ निकलती है। तो ये आपको याद कर लेना है। फोर्थ ऑप्शन। ओके, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू ए नर्व फाइबर द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किस तरीके से चेंज होता है उसकी बात हो रही है। आप हम लोग डायग्राम बनाते हैं, एक एक्सो लिमा ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें देखिए इसमें तीन साइड की बात कर लेते हैं। मान लो ये ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है। ठीक है, और जो ए बी और सी, मान लो जो ए साइड है उसको बोल देते हैं डी पोलराइज यानी अंदर प्लस बाहर माइनस। और यानी अगर बी साइड पे एक्शन पोटेंशियल है, इंपल्स है, तो वो पहले यहां रहा होगा ना, यानी ये पहले यहां था फिर यहां से यहां आ गया, यानी यहां से जब ये यहां आया तो ये तो हो गया डीपोलराइज, और ये जो पहले डीपोलराइज था अब हो जाएगा ये रीपोलराइज, यानी इसको बोल देंगे रीपोलराइज। आरपी का मतलब होगा रीपोलराइज, रीपोलराइज यानी इस दौरान अंदर माइनस और बाहर प्लस। भाई ये एक्शन पोटेंशियल पहले यहां था और यहां से वहां गया तो ये तो हो गया डीपोलराइज और ये हो जाएगा रीपोलराइज। और जब भी डीपोलराइज होता है तो अंदर माइनस बढ़ता है और बाहर प्लस होता है, और जब भी डीपोलराइज होगा अंदर प्लस बाहर माइनस। लेकिन इससे आगे वाला क्षेत्र जो है उसमें अब भी क्या है पोलराइज, यानी अंदर माइनस बाहर प्लस, उसको बोलेंगे पोले। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहां पर देखें कि पहले माइनस फिर प्लस और फिर माइनस, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चले आगे, बिल्कुल सिंपल सा है। चलो एसोसिएशन एरिया, एनसीईआरटी के डायग्राम में एसोसिएशन जो एरिया है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर वो मेमोरी के लिए भी, कम्युनिकेशन में भी और इंटरसेंसरी एसोसिएशन तीनों में भाग लेता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा परफेक्ट हो जाएगा। लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब जो है वो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में डीप के अंदर होता है और ये किससे बना है, अमाइगडाला से और हिप्पोकैम्पस से, यानी बोथ 2 and 3 हो जाएगा। चलो कौन सी क्रैनियल मेनिंजेज जो है वो सबसे ज्यादा वैस्कुलर होती है, आप लोगों को यहां पे पूछा है। तो ड्यूरामेटर एक मेनिंजेज है, अरेक्नोइड मैटर भी एक मेनिंजेज है, ये सब अरेक्नोइड की कोई स्पेस है। पाइया मैटर जो है वो आपकी यहाँ पर हाई नी वेस्कुलर जो लेयर है आपको याद रखनी है, इसमें ब्लड सप्लाई काफी ज्यादा होती है। ठीक है, चलो माइलिन शीथ जो है वो ग्लियल सेल बनाती है और स्वान सेल तो बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बनाती है ओलिगोडेंड्रोसाइट, यानी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, यानी बोथ 1 and 2, 4 ऑप्शन हो जाएगा। माइक्रोग्लियल तो फेगोसाइटिक सेल है ना, स्क्वेंजर सेल होती है। बाइपोलर न्यूरॉन विच है 1 axon 1 dendrite है ना, ये हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर मौजूद होती है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो यूनिपोलर होती है, इसमें एपोलर होती है और डोर्सल गैंग्लियन जो उसमें सूडो यूनिपोलर होती है, और रेटिना जो है ये परफेक्ट हो जाएगा जिसमें बाई पोलर न्यूरॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, तो 66 के अंदर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सीएसएफ की लोकेशन एक तो है सब अरेक्नोइड स्पेस, एक है ब्रेन वेंट्रिकल और एक है स्पाइनल केनाल जो मेरुरज्जू में होती है ना, तो सब ड्यूरल स्पेस में नहीं होता है, सब अरेक्नोइड स्पेस में होता है और स्पाइनल केनाल में भी होता है, यानी बोथ 2 and 3। एक और क्या हो सकता है,
ब्रेन वेंट्रिकल्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, उनमें भी ये होता है। तो तीनों जगह आपको याद रखनी है। परकिंजे सेल एक फ्लास्क की तरह बड़ी सेल्स होती है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल्स होती है ब्रेन के अंदर, और ये जो है ब्रेन में भी कहां पे सेरेबेलम, ठीक है। परकिंजे फाइबर अलग, वो आपके कंडक्टिंग सिस्टम वाला पार्ट है, हेड वाला। 69 यहां पर सेंसरी क्रैनियल नर्व के लिए एक बार भी लिखवाई देता हूं, क्रैनियल नर्व्स हो रहा है वो आपकी 12 पेयर है ना, और इन 12 पेयर क्रैनियल नर्व में आप लोग देखिए कि तीन टाइप की है, एक तो सेंसरी, एक मिक्स्ड, एक मोटर, ठीक है। तो सेंसरी कौन सी है, सेंसरी है फर्स्ट ऑल्फैक्टरी, सेकंड ऑप्टिक और आठवीं ऑडिटरी, ये तीन सेंसरी है। मिक्स्ड की अगर बात करें तो पांचवी, सातवीं, नवी और दसवीं, ये मिक्स है। यानी अब जो बच गई वो मोटर हो गई, कौन कौन सी बच गई, तीसरी, चौथी, पांचवी तो यहां आ गई, छठी, फिर आपकी आठवीं सेंसरी हो गई, नौवीं दसवीं ये आ गई, यानी फिर ग्यारहवीं और बारहवीं ये मोटर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपको ये दो याद रख लेना, सेंसरी और मिक्स, तो फिर वो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसमें क्या आंसर लाना चाहिए, सेंसरी नेचर की कौन सी, ये भी है, ये भी है और ये भी है, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। एक एक्सोन जिसके टर्मिनल जो है वो चार अलग अलग डेंड्राइट से कनेक्टेड है, ये एक एक्सोन है, इसके टर्मिनल हैं वो चार अलग अलग डेंड्राइट से कनेक्टेड है, चार अलग अलग अगली सेल से, प्रीसिनेप्टिक, पोस्टसिनेप्टिक, ओके। फिर क्या पूछा, इट्स नर्व इंपल्स विल, इसका जो नर्व इंपल्स है जो आगे जाएगा तो उसके लिए, तो ये सब में बराबर रूप में जाएगा, कम या ज्यादा नहीं होगा, सब में इक्वली होगा, है ना। तो यही आंसर हमें देखना है, 12 टू 9 नहीं, ये नहीं होगा, 12 इन ऑल द फोर न्यूरॉन विद इक्वल स्ट्रेंथ, ये आपका यहां पर परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि पीछे बता भी दिया था आपको मैंने, फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन, डायनसेफेलोन यानी प्रोसेनसेफेलोन के अंदर आता है जिसमें थैलेमस हाइपोथैलेमस हमें देखना है, ये एक का तो हो जाएगा 4। टेलेंसेफेलोन यानी आपका जो सेरिब्रम है उसके अंदर की तरफ जो आपकी लिम्बिक प्रणाली है उसमें अमाइडेला से आप उसको रिलेट कर सकते हो। थर्ड माइलेंसेफेलोन, वाई आ रहा है यानी हाइंड ब्रेन में लास्ट में कौन सा आ रहा था, मेडुला, तो माइलेंसेफेलोन यानी सी का सेकंड। और मिटेन यानी पहले, ई पहले आ रहा है यानी अब इसके लिए सेरेबेलम यानी डी का 1। तो अब देखो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग जो है वो सेरेब्रम है और उसके बाद में सेरेबेलम होता है, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रू और की बात कर रहे हैं सरफेस पे, ये देखो कि सेरेब्रम जो है उसके सरफेस को कुछ इस तरीके से प्रदर्शित किया है, ये देखो ये तो है गायरस और इनके बीच का ये जो वाला भाग है इसको बोलते हैं सल्कस। तो ग्रू की बात हो रही है, खांच की बात हो रही है, तो यहाँ पर आंसर क्या बताना चाहिए, सल्कस, ठीक है। वॉमिटिंग सेंटर जो है वो कहाँ पाया जाता है इसकी बात हो रही है, तो ये आपको याद रखना है कि आपके मेडुला जो ऑब्लोगेंटा वाला पार्ट है वहां पर वोमिटिंग सेंटर मौजूद होता है, याद करने वाला क्वेश्चन है। रिफ्लेक्स के लिए आपको याद रखना कि रिफ्लेक्स सीएनएस से कंट्रोल होते हैं, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड इसमें परफेक्ट आंसर हो जाएगा। निसल ग्रेन्यूल्स की अगर हम लोग बात करें तो निसल ग्रेन्यूल, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ,
तो ये जैसे एक न्यूरॉन है, तो एक्सोप्लाज्म जो है उसमें निसल ग्रेन्यूल नहीं होते हैं, न्यूरोप्लाज्म में निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं। और ये देखो ये डेंड्रोन है और इनकी ब्रांचिंग जो है ना ये वाली ये डेंड्राइट्स है। तो एक्सोन में तो है नहीं, साइटोन में है और डेंड्रोन में है। आपको डेंड्रोन और डेंड्राइट वाले याद रखने कि इसमें जो एफरेंट पाथ है शुरुआत में डेंड्रोन और उसकी ब्रांचें डेंड्राइट्स हैं, इन डेंड्राइट्स में से डेंड्रोन में और फिर सेल बॉडी में से होता हुआ एक्सोन आलोक पे आएगा। तो यहाँ पर निसल ग्रेन्यूल नहीं है, न्यूरोप्लाज्म में है, एक्सोप्लाज्म में नहीं है, डेंड्राइट डेंड्रोन में हो सकता है। तो ऑप्शन 2 and 3 यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। बाकी निसल ग्रेन्यूल की लोकेशन याद रखनी है, कंपोजिशन में आरईआर फ्री राइबोसोम याद रखने हैं, है ना, एमआरएनए भी हो सकता है प्रोटीन निर्माण के लिए, और फंक्शन ये न्यूरोट्रांसमीटर के लिए आवश्यक एंजाइम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं, लोकेशन, फंक्शन और कंपोजिशन। अगले क्वेश्चन में फास्ट कंडक्शन इंपल्स का कब होगा, देखो कि एक एक्सोन का जो डायमीटर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें डायमीटर कम है और इसमें डायमीटर जो है वो ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा डायमीटर होगा उसकी एक्सोलिमा पर उतनी ज़्यादा पंप चैनल वगैरह होंगे, तो जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा उसमें कंडक्शन जो वो फास्ट होगा। तो एक्सोन विद लेस डायमीटर नहीं, एक्सोन विद मोर डायमीटर परफेक्ट। माइलिनेटेड जो होगा उस पर साल्टेटरी कंडक्शन होता है, अगर माइलिनेटेड है एक्सोन तो उस पर एक्शन पोटेंशियल एक नोड से कूदता हुआ दूसरे पे जाता है, उसमें फास्ट कंडक्शन होगा नॉन माइलिनेटेड की तुलना में। तो नॉन माइलिनेटेड नहीं, उसी को क्या बोला गया नॉन मेडुलेटेड, तो वो भी नहीं। माइलिनेटेड या मेडुलेटेड एक ही बात है और नॉन माइलिनेटेड नॉन मेडुलेटेड एक ही बात है, ठीक है ना। तो इन पर स्लो कंडक्शन होगा, इस पर भी स्लो कंडक्शन होगा, लेकिन ये वाला जो वो फास्ट कंडक्शन वाला हो जाएगा, ठीक है। तो 77 के अंदर आपका सेकेंड हो जाएगा। चलो एक व्यक्ति ने एक आइसोलेटेड न्यूरोन को कैल्शियम फ्री मीडियम में रखा, देखो कि जब भी एक्शन पोटेंशियल एंड पे आता है, एक्शन पोटेंशियल के एंड पे पहुंचते ही यहां पर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होता है, बाहर कैल्शियम ज्यादा होता है वो कैल्शियम अंदर आएगा और अंदर आके यहां पर मौजूद जो एनटीएम है उनको बाहर मुक्त करा देगा, और ये एनटीएम जब इसके चैनल पे जुड़ेंगे तो ये चैनल जो वो खुल जाएगा, और खुलते ही अंदर कौन जाएगा सोडियम, इससे ये डिपोलराइज होगी। अब इसका आंसर लगा कि एक व्यक्ति है उसमें आयसोलेशन, एक व्यक्ति ने एक न्यूरॉन को अलग कैल्शियम फ्री मीडियम में रख दिया, तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, नो न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड सिंस इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्ड इन ऑर्डर फॉर न्यूरॉन टू कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल, नहीं एक्शन पोटेंशियल का कंडक्शन तो यहां हो रहा है, ये तो कैल्शियम तो किसके लिए चाहिए, एक्शन पोटेंशियल के एक न्यूरॉन से अगले में ट्रांसमिशन के लिए। तो अगर ट्रांसमिशन होता ना तब सही होता, ट्रांसमिशन होता तो इसलिए गलत हो गया। फिर है न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड बिकॉज कैल्शियम इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं न्यूरोट्रांसमीटर तो चाहिए, बिना उसकी मदद के एनटीएम कैसे रिलीज होगा, ये भी गलत हो गया। अब तीसरा है कि नाइदर न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड, बिल्कुल सही है, कैल्शियम है ही नहीं तो ये वेसिकल कैसे बाहर जाएगी, तो एनटीएम रिलीज हो गएगी। एंड नोर ओपन द सोडियम प्रोटीन चैनल ऑन पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये चैनल खुले गए, भाई अगर कैल्शियम अंदर नहीं गया तो एनटीएम रिलीज नहीं होगा, और एनटीएम अगर रिलीज नहीं हुआ तो ये चैनल ओपन कैसे होगा। तो अपना यहां पर ऑप्शन जो परफेक्ट बैठेगा वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। तो 78 जो है उसके अंदर आपका आंसर हो गया थर्ड। चले आगे, द नेम ऑफ नर्व बेंड कनेक्टिंग सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाला ट्रैक्ट होता है, और ये कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम अभी हम लोगों ने बात भी की थी। एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें आपको देखें कि जो ए को रिप्रेजेंट किया गया है, ए यहाँ पर एनटीएम है न्यूरोट्रांसमीटर, बी यहाँ पर ग्राई है रिसेप्टर, और सी एक्सोन है, और डी जो है वो है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये वाली जो होगी वो हो जाएगी पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन,
दोनों के बीच का सिनेप्स सॉरी दोनों के बीच का जो स्पेस है वो हो जाएगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं, ए के लिए दिए न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, बी के लिए दिया रिसेप्टर, ठीक है, सी के लिए क्या दिया है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, नहीं ये तो एक जोन है, तो ये गलत हो गया इसकी वजह से। इसको देखते हैं कि ए न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, बी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, बी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये वाला बी तो रिसेप्टर है, गड़बड़ हो गया। ये देखो, ए न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, बी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये वाला बी तो रिसेप्टर ही है, गड़बड़ हो गया। ये देखो लास्ट वाला बचा, ये सही है या नहीं, आप लोग बताओ मेरे को कि ए न्यूरोट्रांसमीटर सही है, बी रिसेप्टर सही है, सी एक्सोन सही है, और डी प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये डी ही तो है, प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, परफेक्ट। चले, ये आंसर हो गया अपना 4। मेडुला कंटेन, मेडुला में क्या होता है, ब्रेन स्टेम वाला पार्ट है, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, वहां पर कार्डियोवैस्कुलर सेंटर भी होता है, वहां पर हृदय की क्रिया को नियंत्रित करने वाले दोनों सेंटर होते हैं, इनहिबिटरी भी और एक्साइटेटरी भी। एक्साइटेटरी से सिंपैथिक आता है, एसए नोड पे एपिनेफ्रिन रिलीज करता है, और इनहिबिटरी से आपका पैरासिंपैथिक वेगस के साथ आता है, और एससी से रिलीज करके एसए नोड की क्रिया को कम करता है। गैस्ट्रिक सिक्रेशन भी होता है, तो एनसीआरटी दी है, तो ऑल ऑफ दीज परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नी जर्क रिफ्लेक्स की बात यहाँ पर हो रही है, और नी जर्क जो रिफ्लेक्स है एनसीआरटी के अंदर दे रखा है, उसमें आपको याद रखना है कि नी जर्क रिफ्लेक्स जो है उसमें एफरेंट पाथ भी है, सेंसरी भी, और इफरेंट भी है, ठीक है, उसमें स्पेंडल रिसेप्टर भी होते हैं, लेकिन इंटरन्यूरॉन दूसरी जगह जुड़ा हुआ है, इंटरन्यूरॉन जो है वो दूसरे मसल को इनहिबिट कर रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन वाला पाथ याद रखना है, और नी जर्क रिफ्लेक्स जो है वो मोनोसिनेप्टिक होता है, एनसीआरटी के अंदर डायग्राम दे रखा है, मोनोसिनेप्टिक, ये आपको मोनोसिनेप्टिक ही याद रखना है, तो दूसरी तरफ इंटरन्यूरॉन दे रखा है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका मतलब है एफरेंट है, इफरेंट है, मस्कुलर स्पिंडल भी है, लेकिन इंटरन्यूरॉन नहीं है, क्योंकि ये मोनोसिनेप्टिक होता है, इसमें सीधा सेंसरी मोटर से कनेक्ट होता है, अगर सेंसरी मोटर के बीच में इंटरन्यूरॉन आ जाता तो पॉलीसिनेप्टिक हो जाता। ये नी जर्क रिफ्लेक्स किसका एग्जाम्पल है, मोनोसिनेप्टिक का, इसीलिए हमें इसमें इंटरन्यूरॉन नहीं लेना है। एनसीआरटी ने इंटरन्यूरॉन दिखा रखा है एक जगह उसी डायग्राम में, लेकिन उससे तुम्हें कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको ये जो रिफ्लेक्स है वो मोनोसिनेप्टिक में ही याद रखना है, ठीक है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। चलो, एक कैनाल जो पास होती है मिड ब्रेन से, उसको क्या बोलते हैं। देखो, जो ब्रेन का हमारा फिगर है, इस तरीके से अगर लॉन्गिट्यूडनल ऐसे सेक्शन लिया जाए कट व्यू में, ये सेरेबेलम आ गया है ना, तो ये तो गया फोर ब्रेन, ये इतना हो गया मिड ब्रेन, और ये वाला पार्ट हो गया हाइंड ब्रेन, और इसके अंदर ये पॉन्स, ये मेडुला, और ये सेरेबेलम, ठीक है। अब ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं, यहां पर ये फर्स्ट वेंट्रिकल है, ये सेकंड वेंट्रिकल है, और वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पर ये थर्ड वेंट्रिकल है, और थर्ड वेंट्रिकल जो है उससे एक डक्ट निकलती है जो नीचे की तरफ जाती है, ये डक्ट, और ये जो डक्ट जाती है ये फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट हो जाती है, यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल है, तो ये जो डक्ट गुजर रही है वो किससे गुजर रही है, एक सेंट्रल कैनाल पास थ्रू मिड ब्रेन, मिड ब्रेन से गुजर रही है, इस कैनाल को बोलते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट, या इसी को इटर कहते हैं, को एक्विडक्ट ऑफ साइनस भी कहा गया, ऑल ऑफ दीज वन, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड वेंट्रिकल आपके लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में है, थर्ड वेंट्रिकल जो है वो डायएन्सेफेलोन जो है उसमें होता है, इसके दोनों तरफ आपका जो थैलेमस वाले पार्ट मौजूद होते हैं, और थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से जो कनेक्ट करती है वो यही डक्ट करती है, और ये डक्ट किससे गुजरती है, मिड ब्रेन से, ठीक है। स्टार शेप्ड सेल पूछिए माइक्रोग्लियल में, ये एस्ट्रोसाइट होती है जो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है और कुछ नरिशमेंट भी देती है ना, तो एस्ट्रोसाइट इसके अंदर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आपका जो मिड ब्रेन है, अगर हम लोग उसकी बात करें मिड ब्रेन में,
तो मिड ब्रेन वैसे छोटा सा पार्ट है, और मिड ब्रेन जो है उसमें चार कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होती है, जिसमें दो लोब ऊपर होती है और दो लोब नीचे होती है। ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और उसमें दो तो होती हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलस और दो होती है इन्फीरियर कॉलिक्यूलस। सुपीरियर कॉलिक्यूलस जो होती है वो आपकी आई से आने वाले जो मैसेज है वो यहीं पे आते हैं, और जो हमारा ईयर है, ईयर, ईयर से मैसेज यहाँ पे आता है। यानी जब भी हम लोगों के हेड के पास कोई चीज गुजरती है ऐसे, तो तुरंत हमारा हेड ऐसे मूव करता है ना, जब भी कोई चीज पास से गुजरती है तो तुरंत हमें पता लग जाता है, वो एक विजुअल रिफ्लेक्स होता है। और जब भी कोई चीज हमें सुनाई देती है तब पीछे से कोई साउंड आता है तो तुरंत हम लोग हट भी जाते हैं, ऑडिटरी रिफ्लेक्स है। आप लोग देखें कि इसमें ईयर के कंपैरिजन में आई थोड़ा ऊपर की तरफ है, ईयर थोड़ा नीचे की तरफ है, इसीलिए सुपीरियर कॉलिक्यूलस जो है उनके पास मैसेज आई से आ रहा है और ईयर वाला मैसेज इन्फीरियर कॉलिक्यूलस से आ रहा है। तो सुपीरियर तो विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करेगा और इन्फीरियर ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। तो एंटीरियर बाइजेमिना का मतलब यहाँ पर ये सुपीरियर की बात कर रहा है, इज रिलेटेड विद, तो ये हो जाएगा आपका विजन, यानी विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करेगा, और ऑडिटरी वाला जो है वो ये लोअर साइड वाला हो जाएगा, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तहत आता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी की कंडीशन में हमें प्रिपेयर करता है, और इससे पीपल का डायलेशन होता है, इससे हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन बढ़ जाता है, इससे सेलिवेशन को रोक दिया जाता है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ये नहीं होगा। सिंपैथेटिक जो है वो ब्लैडर की वॉल में कॉन्ट्रेक्शन को रोकेगा और स्पेंचर को कॉन्टैक्ट कराएगा ताकि यूरिन ना निकले, और पैरासिंपैथेटिक जो है वो स्पेंचर को रिलैक्स कराएगा अवरोधनी को और ब्लैडर में कॉन्ट्रेक्शन कराएगा ताकि यूरिनेशन की प्रक्रिया हो। तो संकट की परिस्थिति में व्यक्ति में यूरिनेशन ना हो इसलिए ब्लैडर की वॉल को रिलैक्स रखा जाता है और स्पिंचर को कॉन्ट्रैक्ट रखा जाता है। लेकिन कई बार जब इमरजेंसी कंडीशन में व्यक्ति बहुत ज़्यादा घबरा जाता है तब वो स्पिंचर वर्क नहीं करते हैं और वो रिलैक्स हो जाते हैं, और ऐसे में यूरिनेशन हो जाता है, पतलून गिली हो जाती है डर के मारे। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा। आपको सिंपैथिक और पैरासिंपैथिक के कंपेयर करके सारे फंक्शन आपको पता है। ठीक है ना, तो सिंपैथिक ज़्यादातर एक्टिविटी को बढ़ाता है डाइजेशन को रोक के, डाइजेशन को छोड़ के उसको रोक रहा है। पैरासिंपैथिक जो है वो ज्यादातर एक्टिविटीज उनको नॉर्मल करता है लेकिन डाइजेशन को वो इंक्रीज करता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की बात हुई, आप लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ी है, रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, ये हाइपरपोलराइजेशन वाला होता है और ये थ्रेशोल्ड वाला होता है कि अगर एक्शन पोटेंशियल को प्रोड्यूस करना हो तो मिनिमम स्ट्रेंथ का स्टिमुलस ये थ्रेशोल्ड है, तब सारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होते हैं कुछ सेकंड के लिए और फिर वो वापस जो है रिपोलराइज हाइपर और रिपोलराइज हो जाता है। तो ये थ्रेशोल्ड जो स्टिमुलस है ये -10 के लगभग अंतर होता है, ये -60 से -55 होता है, ये मिनिमम स्ट्रेंथ का पोटेंशियल है जिसके मिलने के बाद में सारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होते हैं, एक्शन पोटेंशियल फायर होता है। ठीक है, Which of the following NTM is inhibitory? Okay, ये excitatory है, ये excitatory है, ये excitatory है, plus, plus, plus. लेकिन gamma aminobutyric acid inhibitory है. Plus वाला जो होगा, वो अगली membrane के अंदर जो NTM छोड़ेगा, उन NTM से sodium channel open होगा. यानी यहाँ पर plus charge आएगा, और इससे excitatory postsynaptic potential generate होगा. और जो inhibitory होगा, जो inhibitory होंगे वो ऐसे एनटीएम इनहिबिटरी की वजह से वो ऐसे चैनल पे जुड़ेंगे जिनसे क्लोराइड आयन अंदर जाएगा और इससे चार्ज और अंदर माइनस बढ़ जाएगा और इससे बोलेंगे इनहिबिटरी पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल आईपीएसपी। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। 89, कौन सी क्रैनियल नर्व मिक्स होती है? बी पीछे मैंने आपको लिखवा दिया था मिक्स वाली, पांचवी, सातवीं, नवीं और दसवीं, ये मिक्स है। ठीक है ना, चले ये तो सेंसरी होगी और मोटर आप याद रख सकते हो। ठीक है,
फैगोसाइटिक सेल जो ब्रेन के टिश्यू से डेब्रिस को हटाती है, माइक्रोग्लियल हो जाएगा आंसर एक। इसमें ये भी याद रखना कि मेसोडर्मल है, ये मेसोडर्मल है, इसको छोड़ के ब्रेन में जितना भी वो एक्टोडर्मल होता है। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं कि यूस्टेकियन ट्यूब जो है वो किसको कनेक्ट करती है। जैसा अपन ने बात भी की थी कि यूस्टेकियन ट्यूब जो है वो मिडल ईयर को हमारे ग्रसनी से कनेक्ट करती है, और ईयर ड्रम जो है कान का पर्दा जो है उसके दोनों तरफ हवा के प्रेशर को मेंटेन करती है। तो मिडल ईयर विद फैरिंक्स, क्यों परफेक्ट है ना, एक्सटर्नल ईयर की बात करेंगे नहीं, मिडल ईयर विद इंटरनल ईयर नहीं, तो अपना ऑप्शन नंबर थर्ड परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रीजन इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑडिटरी मैकेनिज्म, ऑडिटरी मैकेनोरिसेप्टर ऑर्गन, मतलब कहना यह चाहता है कि जो हमें सुनता है उस दौरान जो मैसेज का ट्रांसमिशन है उसका परफेक्ट ऑर्डर क्या है, ये आपको पूछ रहा है। तो इसमें आप देखें कि पिन्ना टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, पहले ऑडिटरी केनाल बाद में दे रखा तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि ऑडिटरी केनाल के बाद में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आएगी। पिन्ना मेलियस इनका सीधा ही नहीं, पिन्ना ऑडिटरी केनाल परफेक्ट है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफेक्ट है कान का पर्दा, फिर मेलियस इनका स्टेपीज परफेक्ट है, फिर कॉकलिया परफेक्ट है, और फिर ऑडिटरी नर्व, ये वाला परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास में आ गया है। फोर क्यों नहीं है, पिन्ना के बाद में सीधा कॉकलिया आ गया इंटरनल ईयर, तो ये वाला हमारा रॉन्ग यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 92, और आंसर क्या कौन सा होगा इसमें, थर्ड। चले आगे 93 देखें, ईयर ड्रम इज, ईयर ड्रम मतलब कान का पर्दा, तो वो क्या है, तो स्केला टिम्पेनाई वेस्टिबुलाई टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आपको परफेक्ट तीसरा आंसर इसमें बैठ जाएगा। ऑड वन देखना किसके लिए, कोरोइड परत के लिए, है ना, ये आंखों की मध्य परत है, और यही जो कोरोइड परत है वो आगे जाकर के एनसीईआरटी लिखा है इसका पिछला 2/3 भाग तो है पतला थिन, और आगे का 1/3 भाग मोटा थिक, और आगे की तरफ आकर के सीलियरी बॉडी बनाता है, उससे लिगामेंट निकलते हैं और उनसे लेंस कनेक्टेड होता है ना। तो ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड भी होता है, सीलियरी बॉडी भी यही बना रहा है, और यही जो सीलियरी बॉडी है इसी से आयरिस जो है वो भी बनता है। तो सीलियरी बॉडी, आयरिस, डीपली पिगमेंटेड लेयर, तो ये सब कोरोइड से संबंधित है, लेकिन कॉर्निया वाला ओड हो गया। देखो कॉर्निया तो बाहरी आउटर जो स्क्लेरा है वो आगे की तरफ ट्रांसपेरेंट हो जाती है, उससे रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा 4। चलो, फ्लूइड प्रेजेंट फ्रॉम अपर टू लोअर चैम्बर ऑफ कॉकलिया, ये भी हम लोगों ने अभी बात की कि ऊपर पेरिलिम्फ, फिर मिडल एंडोलिम और फिर पेरिलिम्फ, तो पीईपी, पीईपी, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पी अपर में पेरिलिम्फ, फिर मिडल एंडोलिम्फ और फिर लोअर, फिर पेरिलिम्फ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद मिडल ईयर, मध्य जो कर्ण है उससे संबंधित कौन सा एक फंक्शन नहीं है, देख लेते हैं। ये साउंड वेव को एम्पलीफाई करता है 10 गुना, सही है। ये प्रेशर को इक्वलाइज इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखता है ये ड्रम के दोनों तरफ, ये भी सही है। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर टू इंटरनल, ये भी सही है, इंटरनल ईयर का फंक्शन है ना, वेस्टिबुलर अपरेटस, तो 4 आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है, नॉट एसोसिएटेड है ना, तो नॉट तो 4 हो गया, तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा इसका। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ का कौन सा पार्ट नहीं है, हमने बात की है कि मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में वेस्टिबुलर अपरेटस होता है, और उस वेस्टिबुलर एपरेटस में सेमी सर्कुलर केनाल और आपका ऑटोलिथ हो गया, उसके बाद कॉकलिया इस तरफ अलग हो गया, तो सेमी सर्कुलर केनाल पार्ट है, कॉकलियर डक्ट पार्ट है, वेस्टिबुल पार्ट है, लेकिन बोनी लेबरिंथ तो बाहर की तरफ है ना, वो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ का भाग नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4। विच लेयर ऑफ वॉल ऑफ आई बोल लुक ब्लूइश इन कलर, कि आंखों के कौन सी परत जो आई बोल की वो नीले रंग की नजर आती है, तो स्क्लेरा व्हाइट वाला पार्ट होता है, रेटिना से रिलेटेड नहीं है, कॉर्निया तो ट्रांसपेरेंट है, तो कोरोइड, आंसर हो जाएगा 3।
लेकिन कोरोइड वो पिगमेंटेड लेयर है जो विजुअल नहीं है, बाहर से दिखते नहीं है, लेकिन आंखों का पिगमेंटेड विजुअल पार्ट कौन सा है ये अगर पूछे तब आंसर देना आयरिस। ठीक है, फिर रेटिनल ब्लड वेसल एंटर द आई बोन, तो रेटिनल ब्लड वेसल जो आई में एंट्री करती है वो किससे करती है, ब्लाइंड स्पॉट से, जहां पर रोड या कॉन नहीं होते। ठीक है, तो क्रिस्टा तो ईयर वाला पार्ट हो गया, ये भी ईयर में, फोविया सेंट्रलिस तो रोड और कॉन वाला, सॉरी केवल कॉन वाला ऐसा है जहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, सबसे क्लियर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन फोटोरिसेप्टर सेल ऑफ आई, कि फोटोरिसेप्टर सेल जो है आई की उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कब जनरेट होगा। हम लोगों ने बात भी की थी कि जब भी लाइट गिरेगी और जो फोटो पिगमेंट है उसमें ऑप्शन से कौन अलग हो जाएगा, रेटिनल, तब ऐसा होगा। तो कन्वर्जन ऑफ रेटिनल इनटू, कन्वर्जन तो होता ही नहीं है ना, डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्शन, ये परफेक्ट हो जाएगा, न कि डिसोसिएशन ऑप्शन फ्रॉम रेटिनल, रेटिन होगा ना, तो ये एनसीईआरटी ने दे रखा है, परफेक्ट आपका थर्ड बैठ रहा है। Which of the following act as auditory receptor in ear? Auditory receptor जो ear में है वो cochlea में होगा, scala media, basilar membrane और उसके ऊपर आपके organ of Corti। ठीक है, देख लेते हैं, semicircular canal नहीं, crista नहीं, hair cell of organ of Corti, perfect answer हो जाएगा कि basilar membrane पे जो है वो आपकी hair cells होती है, hair cell है और इनके बेस से जो है वो कॉक्लियर नर्व निकलती है, उनके एपिकल पार्ट पे जो है काइनोसीलिया और स्टीरियोसीलिया होते हैं। ये ब्लैक वाला क्या, काइनोसीलिया, और ये वाले जो है वो है स्टीरियोसीलिया। ठीक है ना, जब इस तरफ फ्लूइड की वजह से मूवमेंट होता है तब तो ये डीपोलराइजेशन के तहत ये मैसेज ब्रेन के पास आता है, और अगर ये मूवमेंट इस तरफ होता है तो ये हाइपरपोलराइज हो जाता है और इससे मैसेज ब्रेन के पास नहीं जाता है। तो काइनोसीलिया एक होता है, बड़ा होता है, लेकिन स्टीरियोसीलिया काफी सारे होते हैं, और ये हेयर सेल जो है उसके एपिकल भाग से निकलते हैं, एपिकल भाग से। आगे ऐसा क्वेश्चन है कि ये किस भाग से निकलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, द स्टीरियोसीलिया आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ हेयर सेल, अभी भी चर्चा की थी, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, एपिकल भाग। ठीक है, स्टीरियोसीलिया और काइनोसीलिया में आपको डिफरेंस पता होने चाहिए। In which of the following part of brain nerve impulse of sound are analyzed? वैसे ये brain जो है उसकी temporal lobe में होता है, लेकिन वो area कौन सा है, auditory cortex area, कौन सी lobe है, temporal। ठीक है, answer third हो जाएगा। Which of the following cranial nerve are linked with the test buds? Okay, तो हमारी जो tongue है उसका जो anterior भाग है ना, एंटीरियर 2/3 अगर हम लोग देखें तो एंटीरियर भाग जो है वो टेस्ट सेंसेशन से, तो ये फेशियल नर्व है। ठीक है ना, ये वाली, और पिछला जो पोस्टीरियर भाग है वो है ग्लोसोफेरेंजियल नोवा, ग्लोसोफेरेंजियल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस एंड मोर देन 6 meters at that time, चलो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको समझा देता हूँ। विजन सस्पेंसरी लिगामेंट सीलियरी पेशी मसल और लेंस। देखो जब आप लोग अलग अलग विजन के अंदर जब दूरी का या पास का देखते हो, तो जैसे फार विजन है, एक है नियर विजन, तो फार विजन जब भी हम लोग दूर का देखेंगे उस दौरान लेंस थोड़ा चपटा होना चाहिए, कनकेव तरीके से, और ये तभी होगा
तब सस्पेंसरी लिगामेंट में जो टेंशन है वो ज्यादा हो, और इस दौरान सीलियरी पेशी जो है वो क्या रहेंगे, रिलैक्स शिथिल रहेंगे, और लेंस जो है वो एक तरीके से कनकेव होने की कोशिश करेगा, फ्लैट प्रकार का। और जब भी हम लोग पास की चीज देखेंगे तो पास की चीज देखने के लिए लेंस जो है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए, और लेंस कॉन्वेक्स तभी होगा जब सस्पेंसरी लिगामेंट ढीले होंगे, यानी इनमें टेंशन जो है वो कम होगा, और सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होके उसको अंदर की तरफ लाएगी, यानी इस दौरान इनमें क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, और इस दौरान लेंस वो कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स। तो जब भी आप लोग पास की कोई चीज देख रहे हो तो उस दौरान देखना कि जो सीलियरी बॉडी वाला पार्ट है उसकी सीलियरी मसल में कॉन्ट्रेक्शन होता है, और कॉन्ट्रेक्शन होता है तो जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वैसे ढीले पड़ जाते हैं, और उससे लेंस कॉन्वेक्स हो जाता है, और इससे आई बॉल में दर्द भी होने लगता है, क्योंकि सीलियरी बॉडी की मसल में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है तो लिगामेंट रिलैक्स हो जाएंगे, और जब भी दूर का देखेंगे तो सीलियरी जो मसल्स हैं वो तो रिलैक्स रहेंगे, लेकिन अगर सीलियरी मसल जो है वो रिलैक्स हैं तो लिगामेंट में टेंशन बढ़ जाएगा, तो वो लेंस को बाहर की तरफ खींच देंगे। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो जब मोर देन 6 मीटर दिए है तब उस वक्त क्या होगा कि सीलियरी मसल आर फुली कॉन्ट्रेक्टेड, देखना कि जब फार विजन है तो सीलियरी मसल तो रिलैक्स है, इसका मतलब ये गलत हो गया। कॉन्वेक्सिटी ऑफ लेंस इज मैक्सिमम, लेंस तो इस दौरान कंकेव टाइप का होगा तो ये भी गलत हो गया। आई आर फुली रिलैक्स, बिल्कुल सही है, इस दौरान आंखों में आई जो है वो बिल्कुल रिलैक्स होंगी, क्योंकि सीलियरी मसल जो है फार विजन के दौरान देखो रिलैक्स है, और कब रिलैक्स नहीं होगी, जब पास का विजन होगा, क्योंकि तब सीलियरी मसल जो है उनमें कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो उससे क्या होगा कि आई जो आगे से एंटीरियर जो पार्ट है वो आगे से थोड़ा सिकुड़ेगा, इससे आई बोन में दर्द होने लगेगा, तो ये परफेक्ट हमारा इसमें बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं नेत्र समायोजन एकोमोडेशन, इसमें फार विजन और नियर विजन के दौरान कौन से में टेंशन ज्यादा है, कौन से मसल कॉन्ट्रेक्ट है, लेंस की शेप कैसी है, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, जब भी एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, केनाल ऑफ स्क्लेम जो है वो ब्लॉक हो जाती है, वो इकट्ठा हो जाता है, फ्लूड एक्वस फ्लूड जो बाहर आ नहीं पाता है, तो इससे जो ऑप्टिक डिस्क वाला पार्ट है वो डैमेज हो जाता है और ग्लैकोमा रोग हो जाता है, इसको काला मोतिया भी कहते हैं, ठीक है, याद रख लेना इसको, ठीक है। कॉर्पस लाइन डीप इन डर्मिस, ओके, बिल्कुल डीपली डर्मिस के अंदर कुछ कॉर्पल्स होती है जो डीप प्रेशर को सेंस करने में मदद करती है, इनको पेसिनियन कॉर्पल्स कहा गया है, ठीक है ना, याद कर लेना, ये स्किन के डर्मिस वाले पार्ट में होता है डीप प्रेशर को सेंस करने में। प्रेस बायोपिया की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एज के साथ जो अकोमोडेशन की पावर अभी बताई थी मैंने कि सस्पेंस लिगामेंट में कॉन्ट्रेक्शन, सस्पेंस लिगामेंट में टेंशन, सीलियरी मसल में कॉन्ट्रेक्शन, जिससे लेंस की शेप में बदलाव आता है, समायोजन की प्रक्रिया जो है तो ये उम्र के साथ साथ कम हो जाती है, और इसी से और लेंस की इलास्टिसिटी पे भी प्रभाव इससे पड़ता है, तो ये प्रेस बायोपिया के दौरान होता है, ठीक है। ए मॉलिक्यूल टू बी टेस्टेड और स्मेल्ड अंटिल इट हैज बीन, भाई ये कीमोरिसेप्टर से रिलेटेड है, जब तक एयर में कोई केमिकल या मुखगुहा में ओरल कैविटी में कोई केमिकल घुलेगा नहीं तब तक उसकी स्मेल का या टेस्ट का पता नहीं लगेगा, यानी घुलना जरूरी है, डिजोल्व होना जरूरी है, तो ये आंसर हमारा परफेक्ट होगा कि डिजोल्व इन ए लिक्विड, समझ रहे हो। तभी कई बार कॉमन कोल्ड होता है तो जो सिनेडेरियन मेम्ब्रेन है उसमें म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो वहां तक वो केमिकल डिजोल्व होकर के रिसेप्टर तक जाता ही नहीं है, तो टेस्ट और स्मेल का पता नहीं आता है, ठीक है, स्मेल पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। टंग के ऊपर अप्रोक्सीमेटली कितने टेस्ट वर्ड्स होते हैं, याद रख सकते हो आप लोग, ये 10,000 के लगभग होते हैं। कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन स्पेशली सक्सेसफुल, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन बिना ग्राफ्ट रिजेक्शन के पॉसिबल है, क्योंकि कॉर्निया जो है वो एवेस्कुलर होता है, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है, नहीं वहाँ पर WBC वगैरह जाएंगी नहीं, और CMI की वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं होता है, इसलिए उसका ग्राफ्टिंग जो है वो सक्सेसफुल है। तो कौन सा होना चाहिए, ये वाला कि कॉर्निया जो है उसका ब्लड सर्कुलेशन से और इम्यूनाइजेशन से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है।
गलत देखना है कि फोविया इज थिन आउट पोर्शन ऑफ रेटिना वेयर ओनली कॉन्स आर डेंसली पैक्ड। परफेक्ट है ये तो। देयर आर टू टाइप ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल, नेमली रॉड एंड कॉन, ये भी परफेक्ट है। यूज्ड इन टू हेल्प इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ ईयर ड्रम, ये भी सही है। देखना क्या है, गलत। कोल्ड पोर्शन ऑफ लेबिरिंथ इज कॉल्ड लिम्बिक लोब, थोड़ी है। कोल्ड पोर्शन ऑफ लेबिरिंथ जो है वो तो कॉक्लिया है, कॉक्लिया आना था, तो गलत आपका यही फोर्थ जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। Which of the following structure is not filled with endolymph? Endolymph से कौन सा भरा हुआ नहीं है, ये पूछ रहा है। इनर जो ईयर है, लेबिरिंथ जिसको बोला गया है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, उसके अंदर आप लोग देखें कि किस में एंडोलिम्फ नहीं है। यूट्रिकल्स में एंडोलिम्फ है, सैक्यूल्स में एंडोलिम्फ है, सेमी सर्कुलर केनाल जो है उसमें एंडोलिम्फ भरा होता है, लेकिन टिम्पेनिक केविटी ये तो मिडिल ईयर है। टिम्पेनिक केविटी वाला पार्ट तो मिडिल ईयर है, जिसके अंदर तीन बोन मौजूद होती है, तो यहाँ पर एयर भरी होती है। आउटर ईयर में एयर है, मिडिल ईयर में एयर है, फ्लूड केवल इनर ईयर में ही होता है, जो लिम्फ है, एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ। तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाना चाहिए फिर, टिम्पेनिक केविटी, ये वाला मिडिल वाला, इसके अंदर कोई भी फ्लूड भरा हुआ नहीं होता। ठीक है, Which of the following is the function of ear ossicle? Okay, ear ossicle जो है वो sound का transmission external ear से internal की तरफ करती है, amplify करती है। और क्या पूछ रहा है? Function है to collect the vibration in the ear? नहीं, ये task तो बेटा ear पिन्ना का है, ear से sound vibration को collect करना, ये तो कर्ण पल्लव का कार्य है। To equalize the pressure on either side of eardrum, ossicle का थोड़ी है, eustachian tube का है, ये भी गलत हो गया। To secrete earwax, नहीं, ये तो external auditory canal में glands होती है ना, उनका function होता है। To increase the efficiency of transmission of sound wave to inner ear, ठीक है? So, hair cell present on the crista ampullaris receive the stimulus of crista ampullaris. यानी सेमी सर्कुलर केनाल वेस्टिबुलर अपरेटस के अंदर, और टास्क क्या था, वही मैकेनिकल स्टिमुलस, डायनेमिक बैलेंस को कंट्रोल कर रहा था। तो सुनने में नहीं, बॉडी पोजीशन का, पोस्चर का चेंज होना परफेक्ट आंसर हो जाएगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम चलते वक्त बैलेंस को मेंटेन करने में, सेंस करने में हेल्प करता है। तो 115 का आंसर सेकेंड। ब्रेन स्टेम डज नॉट इंक्लूड, आपको याद रखना कि जो ब्रेन स्टेम वाला हमारा पार्ट है उसके अंदर मिड ब्रेन के साथ कॉन्स और मेडुला को इंक्लूड किया गया है। मिड ब्रेन, कॉन्स और मेडुला, यानी मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, लेकिन हाइंड ब्रेन में किसको छोड़ देना, सेरेबेलम, सेरेबेलम ब्रेन स्टेम में नहीं आता है, तो डज नॉट इंक्लूड है ना। तो मेडुला तो है, मिड ब्रेन भी है, कॉन्स भी है, लेकिन फोर ब्रेन इसका हिस्सा नहीं है, और हाइंड ब्रेन में सारे नहीं है, सेरेबेलम इसका हिस्सा नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर ब्रेन। थर्ड, फोटोसेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज मेड ऑफ, भाई रोडोप्सिन एरोडोप्सिन होता है, रेटिनल और ऑप्सिन का बना होता है, वही देखना है इसमें, ऑप्सिन और रेटिनल, नॉल नहीं, रेटिनल एनसीईआरटी दिया है। ओके, इन मैमल आई फोविया is the center of visual field where, कई बार बात कर चुके हैं, more road नहीं, road नहीं, cone होता है, ये वाला perfect हो जाएगा। High density of cone but no road, optic nerve तो blind spot से आती है। ठीक है, तो second answer हो जाएगा। Which of the following of synapse have very close proximity between pre and postsynaptic cells? ये देखो, ये मान लो सेल ए है और ये सेल बी है ना, और इससे आयनों का प्रवाह सीधा इस गैप जंक्शन से होता है, और ये जो फीचर है वो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स का होता है, लोअर कैटेगरी के एनिमल में ये पाया जाता है। बाकी केमिकल सिनेप्स जो है उसमें तो गैप होता है ना, इसको साइनेप्टिक लेफ्ट कहते हैं, वो केमिकल सिनेप्स वाला है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सेकेंड। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज डिवीजन ऑफ, देखो सीएनएस पीएनएस, पीएनएस के अंदर सोमेटिक और ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक में
सिंपैथिक और पैरासिंपैथिक दो मोटर न्यूरॉन हो जाएंगे। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसका डिवीजन है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का आंसर हो जाएगा, ठीक है। द पैरासिंपैथिक नर्व इन मैमल अराइज, ये जो सिंपैथिक है वो तो था थोरेको लंबर, थोरेसिस और लंबर भाग से नर्व निकलती है। पैरासिंपैथिक जो है वो है क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो, क्रेनियो सैक्रल दे रखा है ये। क्रेनियो के अंदर तो कौन सा है? तीसरा, इसके अलावा आपका जो है सैक्रल की अगर हम लोग बात करें तो सैक्रल के अंदर S2, S3, S4 क्रेनियल में भी लोग 9th, 10th आप लोग ले सकते हैं। तो ये कुछ इसके अंदर आउटफ्लो को कंट्रोल करते हैं, तो क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो आंसर हो जाएगा। बाइपोलर न्यूरॉन विच हैव वन एक्सॉन वन डेंड्राइट, बाइपोलर ये तो हमारे सेंसरी ऑर्गन के अंदर होते हैं, और ये इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? रेटिना, थर्ड आंसर। मैचिंग करने हैं मेलियस, इनकस और स्टेपीज, तो मिस हेज, HAS है ना, आपको मैंने बताया था, यानी मेलियस, इनकस और स्टेपीज स्टील, यानी क्या हो जाएगा? B, C और A, यानी P का B, मेलियस हेमर, Q का C, और R का जो है वो हो जाएगा आपका A, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 123 के अंदर थर्ड, ठीक है। चले आगे, चलो स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, एक बार इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं अपन लोग। कोरोइड वाला पार्ट, ये सीरियल बॉडी, ये सस्पेंसरी लिगामेंट, ये लेंस, ठीक है, ये आयरिस, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा? द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, तो रेटिना तो मान लो ये रेटिना हो गया और ये लेंस हो गया, इनके बीच का जो स्पेस है वो क्या कहलाता है? तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग? विट्रियस चैम्बर, और उसके अंदर विट्रियस ह्यूमर भरा हुआ होता है। अगर ये पूछ ले स्पेस बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया, तब आंसर क्या हो जाएगा? एक्वस चैम्बर, और तब एक्वस ह्यूमर उसके अंदर आ जाता है। ये इंटीरियर होता है और ये पोस्टीरियर होता है, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, तो विट्रियस चैम्बर और विट्रियस उसमें ह्यूमर हो जाएगा। ओके, सेलेक्ट द एक्साइटेबल सेल, एक्साइटेबल सेल जो पोलराइज होती है और स्टिमुलस मिलने पर डीपोलराइज होती है। तो एक तो न्यूरॉन है, इसके अलावा हो सकती है मसल, है ना, ये बाकी की एक्साइटेबल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, अब एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। अभी तक मूवमेंट, लोकोमोशन और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में न्यूरल और रिसेप्टर तक की बात हो गई है। अब लास्ट जो केमिकल कंट्रोल है उसकी हम लोग बात करेंगे कि हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड आर रिलीज्ड इन, इनमें होगा नहीं, इसमें होगा नहीं, वेनस ब्लड है ना जो वेन के थ्रू जा रहा है। इसके अलावा एनसीआरटी ने एक और लिखा लिम्फ, लिम्फ में भी रिलीज हो जाता है, ये दो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओके गलत देखना है। हार्मोन आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, बिल्कुल सही है, बहुत कम मात्रा में बनते हैं। हार्मोन आर रिलीज डायरेक्टली इनटू ब्लड, बिल्कुल सही है, उनको ब्लड में रिलीज किया जाता है क्योंकि इनमें डक्ट नहीं होती ग्लैंड में। हार्मोन आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन, बिल्कुल सही है, इनके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, इसलिए अपने फंक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। हार्मोन प्रोवाइड एनर्जी, नहीं, बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल और एनर्जी के लिए ये वर्क नहीं करता है, इनको तो रिलीज किया जाता है, ये वर्क करते हैं और फिर इनका कैटाबोलिज्म हो जाता है यूरिन से बॉडी के बाहर अगर हाइड्रोफिलिक है, और बाइल के थ्रू लिवर इनको रिलीज करेगा अगर हाइड्रोफोबिक स्टेरॉइड वाले, रीयूज नहीं होते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। चलो, द सिस्टम विच कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शन ऑफ बॉडी, बॉडी के अलग अलग फंक्शन को कोऑर्डिनेट कौन करता है? न्यूरल भी और एंडोक्राइन भी, ठीक है ना। तो आंसर देखो ऐसा ही, नर्वस सिस्टम ओनली लगा के गलत हो गया, नर्वस सिस्टम भी और एंडोक्राइन सिस्टम भी, ठीक है। हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड टू एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, है ना,
हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड टू, जैसे हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी की ये एंटीरियर लोब है, तो एंटीरियर लोब से ये जो कनेक्टेड होता है वो कौन करता है, ठीक है ना। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो एंटीरियर लोब से ये जो कनेक्टेड है वो करेगा हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। और पोस्टीरियर की बात करें तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है जिसको न्यूरॉन कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। तो हाइपोथैलेमस से जो पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है जिसको हाइपोफाइसिस कहते हैं, और ये जो हाइपोफाइसिस है इसमें अगर हम लोग पोस्ट एंटीरियर पार्ट की बात करें तो वो आपका जो पोस्ट एंटीरियर पार्ट है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है पोर्टल सिस्टम से, है ना, इसको हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन कहा गया। और पोस्टीरियर पार्ट जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है न्यूरॉन से, उसकी उसका भी इक्वेशन आगे आएगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ, सोमेटोस्टेटिन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और पोर्टल सिस्टम से एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है, ये ग्रोथ हार्मोन के रिलीज होने को रोकता है, सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। तो 130 का 3। GnRH स्टिमुलेट द, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस से आता है हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन से और एंटीरियर पिट्यूटरी में रिलीज हो जाता है, और वहां की गोनेडोट्रोपिक जो सेल्स है उनको प्रमोट करता है ताकि वो FSH LH रिलीज करें, है ना। तो GnRH किसको स्टिमुलेट करेगा, पीयूष ग्रंथि को, ताकि FSH LH को रिलीज किया जा सके। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस, अभी भी बताया था, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, है ना, जो एक तो वैसोप्रेशन ADH, दूसरा ऑक्सीटोसिन को वहां से लेके आती है, स्टोर कर लेती है हेयरिंग बॉडीज में, लेकिन बनाता दोनों को कौन है, हाइपोथैलेमस। ये चीज याद रखना कि ये दोनों बनते हैं हाइपोथैलेमस में, यहाँ के हेयरिंग बॉडीज में स्टोर होते हैं और एक्शन पोटेंशियल मिलने पर रिलीज होते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके, ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, पिट्यूटरी एंडोक्राइन है, ये एंडोक्राइन है, ये एंडोक्राइन है, ये तो एक्सोक्राइन है ना। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, ओके, थायरोक्सिन जो है वो आयोडिनेट, टायरोसिन के आयोडिनेशन से बनता है, सही है। एल्डोस्टेरोन पॉलीपेप्टाइड थोड़ी, एल्डोस्टेरोन तो स्टेरॉइड जो एड्रेनल कॉर्टेक्स बनाती है, एस्ट्रोजन स्टेरॉइड है, बिल्कुल सही है, और थायरोट्रोपिन ग्लाइकोप्रोटीन सही है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, इनकरेक्ट मैच, तो सेकेंड, ठीक है। Which of the following is secreted by corticotroph in human? देखो corticotroph जो होते हैं वो ऐसे सेल्स होती है basophilic टाइप की जो हमारे एंटीरियर लॉब के अंदर होती है, और पार्स नर्वोसा भी कुछ उसी से मर्ज हो जाती है, पार्स डिस्टलिस, पार्स नर्वोसा, एडनो हाइपोफाइसिस में ही आ गया हमारे अंदर, और न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है उसमें पार्स नर्वोसा आ गया। तो जो corticotrophs हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, उस सेल से जो प्रोडक्ट बनता है वो टूट करके ACTH और MSH में बदलता है, तो इसमें ACTH भी आ गया और MSH भी आ गया, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लॉस्ड इन ए बोनी कैविटी ऑफ व्हिच स्कल बोन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, स्फेनॉइड बोन जो है उसके अंदर एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पिट्यूटरी हार्मोन इज नॉन टू हैव डायबेटोजेनिक इफेक्ट, मतलब जो ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाए और एंटागोनिस्टिक हो इंसुलिन का, तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, वो ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करके सेल्स के द्वारा ग्लूकोज के ग्रहण को अपटेक को रोक देता है, और इंसुलिन क्या करता है वो सेल्स द्वारा ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है, लेकिन ये उसको रोकता है ताकि वो ग्लूकोज जो है वो आपके ब्रेन की सेल्स को मिल सके, है ना। तो डायबेटोजेनिक इफेक्ट क्रिएट करने में यहाँ पे कौन मदद करेगा, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन इज लिंक्ड डायरेक्टली टू बॉडी वेयर एज अदर हार्मोन मोस्टली कंट्रोल अदर ग्लैंड, कि कुछ और हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होकर के दूसरी ग्लैंड पे वर्क करते हैं और उनके हार्मोन को रिलीज होने को नियंत्रित करते हैं, ऐसे ट्रॉपिक हार्मोन होते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन डायरेक्टली जाके टिश्यू पे एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि सोमेटोट्रोपिन जो है वो सीधा आपकी बॉडी के ऑर्गन पे जाके एक्ट करता है, मसल्स पे और दूसरे जो बोन्स वगैरह पे, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। यानी ये ट्रॉपिक
हॉर्मोन जो होते हैं वो तो रिलीज होकर दूसरे ग्लैंड पे वर्क करते हैं और उनसे हॉर्मोन रिलीज होता है और वो हॉर्मोन फिर बॉडी में फंक्शन करते हैं, लेकिन उनसे अलग कौन सा वो यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, ये डायरेक्टली बॉडी के ऑर्गन से कनेक्टेड होता है फंक्शन के रेस्पेक्ट में। अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन प्रिवेंट वाटर लॉस इन यूरिन, यानी वैसोप्रेशन की बात हो रही है, एडीएच जो जल का पुनः अवशोषण कराएगा, तो आंसर हो जाएगा वैसोप्रेशन। ठीक है, चले आगे। ICSH का मतलब है इंटरस्टिटियल सेल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, ये लीडिंग जो है लीडिंग सेल की बात हो रही है जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर की तरफ होती है और उन सेल को ये स्टिमुलेट करता है, और ये नर में LH का ही दूसरा नाम होता है, तो 140 का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रेटेड फ्रॉम पार्स इंटरमीडिया, देखो पार्स डिस्टेलिस जो है वो एंटीरियर है, पार्स इंटरमीडिया मेडल है जो ह्यूमन में हालांकि उसकी के साथ मर्ज हो जाती है, और पार्स नर्वोसा जो है वो पोस्टीरियर वाला पार्ट है, तो पार्स इंटरमीडिया की बात हो रही है और वो क्या रिलीज करता है MSH। ठीक है, लेकिन ह्यूमन में पार्स इंटरमीडिया डिस्टेलिस से मर्ज हो गई है, समझ रहे हो, तो हमारे अंदर दो ही हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब पीयूष ग्रंथि की वजह से बोनापन, बोनापन दो वजह से है, है ना, एक थायरोक्सिन के लो लेवल की वजह से भी होता है, इसको क्रिटिनिज्म कहते हैं, है ना, वो भी वहां पर भी बोनापन आता है, लेकिन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म जो है वो किससे रिलेटेड होगा, आपका ग्रोथ हॉर्मोन की कमी के कारण। ओके, चलो आगे चलते हैं। FSH इन मेल, मेल में FSH जो है वो सर्टोली सेल को टारगेट करता है और सर्टोली सेल कुछ कारक रिलीज करती है, NCERT ने 12th में लिखा है, और वो कुछ कारक स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मियोजेनेसिस को प्रेरित करते हैं जिसमें स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोवा में बदलता है। इसका मतलब है कि हमें इसमें क्या लेना है, ओजेनेसिस मादा में LH का उसका कोई रोल नहीं है, और ये वाला स्पर्मेटोजेनेसिस सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन LH प्रमोट करता है लीडिंग सेल को टारगेट करके, यहाँ पे FSH की बात हो रही है। LH इन फीमेल स्टिमुलेट द कॉर्पस ल्यूटियम, ओके, LH जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसके रिसेप्टर पे जब LH जुड़ता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या बनाएंगे, प्रोजेस्टेरोन और कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन, जब LH नहीं होगा और प्रेगनेंसी होगी तो यही काम HCG भी करता है, यहाँ पे क्या आंसर चला जाएगा आपका प्रोजेस्टेरोन और। Which of the following hormone control the functioning of adrenal cortex, जो पीयूष से निकलता है, और वो कौन सा है, ACTH। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन कंट्रोल द मिल्क प्रोडक्शन की बात हो रही है, और मिल्क प्रोडक्शन करता है प्रोलैक्टिन, और मिल्क का सिक्रेशन की बात करें तो NCERT यहीं पे 11th वाले पोर्शन में लिखा है वो प्रोजेस्टेरोन करेगा मिल्क सिक्रेशन, मिल्क का फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन, सिक्रेशन प्रोजेस्टेरोन, और इजेक्शन या मिल्क का रिलीज होना वो करेगा आपका ऑक्सीटोसिन, रिलीज में डक्ट से बाहर निकल रहा है, सिक्रेशन में सेल से बाहर आ रहा है वो प्रोजेस्टेरोन करेगा, लेकिन निर्माण जो करेगा वो कौन करेगा, प्रोलैक्टिन। व्हिच एक्सेसिव सिक्रेशन कॉज अबनॉर्मल इलोंगेशन ऑफ लॉन्ग बोन, ओके, यानी ग्रोथ हॉर्मोन की बात हो रही है, गिगेंटिज्म आ जाएगा ग्रोथ हॉर्मोन। मेलेनिन पिगमेंट इज सिंथेसाइज और सिक्रेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्किन की मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करते हुए, तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, सिंपल सा है। न्यूरोहाइपोफाइसिस इज ऑल्सो नोन एज पार्स नर्वोसा, देखो पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा, ये इंटीरियर में आ गया और ये वाला ये एडिनोम में आ गया और वो न्यूरोहाइपोफाइसिस में आ गया, तो Neurohypophysis is also known as pars nervosa, ठीक है? ADH is produced in, अभी बताया था, ADH और oxytocin दोनों ही hypothalamus के अंदर बनते हैं, ठीक है? उनको pars nervosa बनाती नहीं है। Which element is required for synthesis of thyroxine? बच्चों वाला क्वेश्चन है, जिसकी कमी की वजह से गलगंड वाटर डिजीज हो जाती है ना, थायरोक्सिन टायरोक्सिन के साथ जुड़ते हुए आयोडीन का मॉलिक्यूल, है ना, तो आंसर हो जाएगा सेकंड।
फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो थायराइड की दोनों लोब को आपस में कनेक्ट करता है, ये जो कहलाता है इस्थमस। ठीक है, सिंपल सा है, यूजी है ये। थायरोक्सिन हैज इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन, मतलब अब आपको इसमें थायरोक्सिन के फंक्शन पता होनी चाहिए। ब्लड मेटाबॉलिक वेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, भूख लगना, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को थोड़ी करता है। थायराइड लिखा होता था हम कर सकते थे, क्योंकि थायराइड के अंदर पैरा फोलिकुलर सेल होती है फोलिकल के बाहर, और वो थायरोकैल्सिटोनिन बनाती है, और वो हाइपोकैल्सेमिक होता है, वो ब्लड में कैल्शियम लेवल कम कर देगा, कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट करा के। लेकिन यहाँ पर तो क्या पूछा, थायरोक्सिन के लिए, इसलिए हम लोग इस ऑप्शन को नहीं लेंगे। और अगर यहाँ पर थायराइड होता, थायराइड हैज इंपॉर्टेंट रोल, तब ये भी ले लेते अपन, थायराइड की पैरा फोलिकुलर सेल जो कैल्सिटोनिन बनाती है उससे ये होता है, तब ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन आता फिर। ठीक है, थायरोक्सिन इज ऑल, देखो T4 जो है और T3, ये टेट्राआयोडोथायरोनिन, ये है ट्राईआयोडोथायरोनिन, ये ज्यादा बनता है ये कम बनता है, लेकिन फंक्शनल की अगर बात करें तो ये ज्यादा फंक्शनल है ये कम फंक्शनल है। बॉडी में आने के बाद में आपके लिवर और अन्य अंग एक आयोडीन से हटा देते हैं, जिसे वो T3 में चेंज हो जाता है, तो फंक्शनल फॉर्म T3 है, लेकिन बनता ज्यादा कौन है, T4। और थायरोक्सिन पूछ रहे कौन सा है, तो वो T4 थायरोक्सिन के रूप में आपको याद रखना है। ओके, एरिथ्रोपोएसिस जो है किससे प्रेरित होता है, तो आपको इसमें याद रखना है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका एक फंक्शन ये भी है कि वो एरिथ्रोपोएसिस RBC निर्माण को प्रेरित करता है। पीनियल ग्लैंड की लोकेशन आपको याद रखनी है, वो डोर्सल साइड में है, और डोर्सल साइड भी कौन सा, फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन में भी कौन सा, डाइएनसेफेलॉन, डाइएनसेफेलॉन की डोर्सल साइड में वो मौजूद होता है, एपिथेलेमस वाला भाग होता है। मेलेटोनिन डज नॉट कंट्रोल, देखो मेलेटोनिन जो पाइनियल ग्लैंड से स्रावित होता है वो आपके डे नाइट साइकिल को कंट्रोल करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक, वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, पिगमेंटेशन जो है वर्णक जो है उनको, स्किन पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, हालांकि ह्यूमन में इतना रोल इसका नहीं है, लेकिन गोनेडोट्रॉपिक प्रभाव थोड़ी होता है। गोनेडोट्रॉपिक प्रभाव का मतलब है कि गोनेड की एक्टिविटी को बढ़ाने वाला, ये तो एंटी गोनेडल होता है, ये क्या होता है, एंटी गोनेडल होता है, इसका गोनेडोट्रॉपिक प्रभाव नहीं होता, इसलिए रोंग हो गए, समझ रहे हो, इसलिए कहते हैं कि जो मेलेटोनिन है वो FSH LH को कम करता है एंटीरिपिटेटरी से, और इससे अगर LH FSH कम होगा तो इससे जो गोनेड है वो वर्क नहीं कर पाएंगे हार्मोन बनाने के लिए, यानी प्यूबर्टी स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, एक्सेस ऑफ थायरॉइड हार्मोन, सिंपल सा था, हाइपरथायरॉइडिज्म हो जाएगा। Which of the following increase the calcium level? Okay, यानी hypercalcemic देखना है, और hypercalcemic यहाँ पर है parathyroid hormone, ये है hypercalcemic, और calcitonin जो है वो है hypo। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पूछा, increase, इसलिए आंसर कौन सा जाएगा, third। Which of the following hormone regulate the immune system? Thymus related, AMI-B और CMI-B, थाइमोसिन, बच्चों वाला था, किया होगा सब लोगों ने सही, उम्मीद है मेरे को। चलो, हमारे अंदर कितनी पैराथायराइड है बेटा, तो हमारी थायराइड की जो दोनों लोब है उसमें पिछली साइड चार के फॉर्म में, यहाँ पे क्या पूछा, हाउ मेनी पैराथायराइड ग्लैंड आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो ये आंसर हो जाएगा 4। 161 जो आपका क्वेश्चन है, 161, तो आंसर हो जाएगा 14। Which of the following is a mineralocorticoid? Okay, mineralocorticoid जो adrenal cortex का जो बाहर वाला भाग है स्रावित करता है वो कौन है, आपका aldosterone, उसी को बोला गया है, उसी ग्रुप में वो सम्मिलित होता है। Okay, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो phagocytic activity को कम करता है, यानी immunosuppressive है, तो इसका मतलब है epinephrine नहीं, thymosin नहीं, estrogen नहीं, cortisol, जो जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा से स्रावित होता है,
इसमें जिसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहा गया है, इसमें कॉर्टिसोल 95% होता है, ये इम्यूनोसप्रेसिव के रूप में यूज किया जाता है, एंटी एलर्जी के रूप में भी काम में ले सकते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर प्रोड्यूस्ड बाय, अभी भी मैंने कहा GFR आपको याद रखना है, यानी फेसिकुलेटा जो है मिडल से ये रिलीज हो रहा है, तो जोड़ना फेसिकुलेटा, तो 164 जो है वो उसका आंसर आपका हो गया फर्स्ट। Which of the following stimulate the gluconeogenesis, का मतलब है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट स्रोत से ग्लूकोज को बनना, एमिनो एसिड से, फैटी एसिड से, तो इस प्रक्रिया को यहाँ पे देखें कौन, एल्डोस्टेरोन तो मिनरल के लिए, कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करेगा, थायमोसिन इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, तो यहाँ पे देखिए कॉर्टिसोल इसका एक टास्क ये भी है कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन है ना मिनरल कॉर्टिकॉइड, ये कब स्त्रावित होगा आपको याद है, रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जब भी बॉडी में सोडियम कम होगा पोटेशियम ज्यादा होगा तब ये सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, और जब ये एक्टिव होगा तो इसकी वजह से सोडियम का लेवल बढ़ाया जाएगा और पोटेशियम को कम किया जाएगा, तो क्या है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड सिक्रेशन ऑफ के प्लस अकर, कहाँ है Na plus K plus respectively, 4 answer हो जाएगा। Which of the following is not a function of insulin? Insulin यानी hypoglycemic, ये blood में sugar level को कम करेगा। तो increase glycogenesis, हाँ ये glucose को किसमें चेंज करता है? Glycogen में, और liver और muscle में वो glycogen जमा हो जाती है, इसमें note पूछा है। Increase glycogenolysis, नहीं ये function तो glucagon का है। Promote oxidation of glucose and conversion of glucose into glycogen in muscle as well as liver. बिल्कुल सही है, ये ग्लूकोज को सेल में प्रवेश करा के उसके ऑक्सीडेशन को प्रमोट करेगा और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को मसल और लीवर में जम ग्लाइकोजन के रूप में जमा करा देगा, ये तो फंक्शन हो गए दोनों। फिर इंक्रीज द अपटेक ऑफ एमिनो एसिड बाय लीवर एंड मसल, बिल्कुल सही है, एमिनो एसिड के अपटेक में भी ये मदद करता है, ठीक है। इसमें नोट पूछा है तो नोट अगर पूछा है तो अपना आंसर इसके अंदर क्या कौन सा चला जाएगा, सेकेंड, ओके चले आगे। एंटागोनिस्टिक हार्मोन, विरोधी हार्मोन कौन से जो एक दूसरे के उल्टा काम करे, ये रक्त में ग्लूकोज को कम करेगा तो ये रक्त में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, ये हाइपरग्लाइसेमिक है ये हाइपो है, तो ये एंटागोनिस्टिक तो है, ये एंटागोनिस्टिक नहीं है, इनके तो काम लगभग एक जैसे ही है, ये हाइपोकैल्सेमिक है और ये हाइपरकैल्सेमिक है, यानी ये एंटागोनिस्टिक है, यानी एक और तीन दोनों ही हो गए, यानी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ओके। Which of the following hormone control the homeostasis of glucose, यानी insulin और glucagon, कहाँ दिया है insulin और glucagon, perfect second answer हो जाएगा, ये glycogen की वजह से गड़बड़, ये तो है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत हो गया। Which of the following work in association with cytoplasmic और nuclear receptor, इसका मतलब है ये जो hormone होंगे वो steroid होंगे या थायरोक्सिन की बात हो रही है, वो भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जा सकता है, तो देखें कौन सा है, ये देखो एस्ट्रोजन, ये स्टेरॉइड है और ये सेल को क्रॉस कर जाएगा और उसका रिसेप्टर जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर या न्यूक्लियोप्लाज्म में हो सकता है, ये जल्स नहीं है, हाइड्रोफिलिक है, इसका एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होगा, ये पेप्टाइड एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होगा, जो भी ध्रुवी होंगे पोलर होंगे, पोलर उनका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे होगा, वो उन सब के सेकेंडरी मैसेंजर बनेंगे, और जो भी नॉन पोलर है जैसे स्टेरॉइड है ना, और इसके अलावा थायरोक्सिन हार्मोन है, इनके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे नहीं होंगे, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म में होंगे, क्योंकि इनको सेल मेम्ब्रेन जाने देती है, यानी ये सेकेंडरी मैसेंजर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पूछा था न्यूक्लियर रिसेप्टर से, तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, एस्ट्रोजन, ठीक है। Which of the following are correct about catecholamine? यानी epinephrine, norepinephrine की बात हो रही है। Epin and norepin, ठीक है? तो ये water soluble है, बिल्कुल सही है। Lipid soluble नहीं होते हैं। Work through secondary messenger, बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका primary receptor cell membrane पे होता है। तो जैसे ही उस पे जुड़ेंगे तो अंदर secondary messenger बन जाएगा। तो first A सही है, C सही है। जीन एक्सप्रेशन को नहीं बदलेंगे, जीन एक्सप्रेशन को वो बदलेंगे जिनका रिसेप्टर सेल के अंदर होगा, जो स्टेरॉइड नेचर के होंगे,
तो आंसर बैठ गया ए व सी, ए और सी का है ये सेकंड, ठीक है। हाइपोगोनेडिज्म समझो कि जब ओवरी या टेस्टिस का जो निर्माण है, परिपक्वन है, वो परफेक्ट ना हो पाए, पूर्ण रूप से क्रियाशील ना हो, तो उसका परिणाम क्या होगा? इससे लीडिंग कोशिकाओं का कार्य कम हो जाएगा, इससे सर्टोली सेल का कार्य भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छे तरीके से बनी नहीं पाएंगे, और इससे एंड्रोजन की कमी भी हो जाएगी, यानी ऑल ऑफ दीज आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केवल एंडोक्राइन है और उसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन ना हो, है ना, लीवर नहीं, पैनक्रियाज हेटरोक्राइन है, ओवरी मिक्स हो गई ना, हेटरोक्राइन, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी, लेकिन थायराइड जो है वो केवल एंडोक्राइन फंक्शन को शो करती है, तो आंसर हो गया अपना फोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमिनो एसिड डेरिवेटिव, यानी जो एमिनो एसिड से बना हुआ हो, कोर्टिसोल स्टेरॉइड है, इंसुलिन प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड ये स्टेरॉइड है, और ये वाला देखो एमिनो एसिड डेरिवेटिव टायरोसिन से बना हुआ है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। Which of the following work through binding extracellular receptor, यानी जो जल्स नहीं हो, जिसका receptor cell membrane पे ही होगा, तो ग्लूके थायरोक्सिन का cell के अंदर होगा, ये दोनों steroid है, इनका भी cell के अंदर होगा, अभी अभी मैंने बताया आपको, लेकिन ये देखो ग्लूके कौन, इसका cell membrane पर ही receptor होता है, क्योंकि protein का बना हुआ है, इसको cell membrane अंदर नहीं जाने देगी, तो आंसर हो जाएगा first। Which of the following is not synthesized in GI tract, gastrointestinal tract, ठीक है? Secretin GI tract बनाती है ना, duodenum, gastrin GI tract बनाती है आमाशय, ये दोनों हॉर्मोन है, एंजाइम नहीं है। Cholecystokinin duodenum बनाता है, हॉर्मोन है, लेकिन renin जो हॉर्मोन या एंजाइम है ये किडनी बनाती है। अगर यहाँ पे आर ई डबल एन आई एन होता तब तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि वो स्टमक बना रहा था, लेकिन सिंगल एन यानी किडनी बना रही है, इसलिए आंसर अपना कौन सा हो जाएगा सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी मैसेंजर ड्यूरिंग हॉर्मोन एक्शन, तो साइक्लिक जीएमपी होता है, कैल्शियम होता है, साइक्लिक एएमपी भी होता है, इसके अलावा डाइएसिल ग्लिसरॉल भी होता है, एक इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट भी होता है, लेकिन सोडियम एक सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। डेफिशिएंसी ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, ओके, एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन की कमी अगर हो जाए तो क्या होगा? ये देखो ये एल्डोस्टेरोनिज्म है, ये अधिकता के कारण है, ये भी अधिकता के कारण है एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन के, ये तो डायबिटीज वाला होगा तो होगा ही नहीं, लेकिन ये कमी के कारण है, हाइपोफंक्शन के कारण है, ठीक है, डेफिशिएंसी, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। क्रेटिनिज्म को रोका जा सकता है, क्रेटिनिज्म नवजात बच्चे में या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर मदर में थायरोक्सिन की कमी है तब उसके फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, आईक्यू कम हो जाता है, स्किन भी अब नॉर्मल हो जाती है ना, और बोना भी रहता है, इसको कैसे रोका जा सकता है? तो थायरोक्सिन की कमी है, थायरोक्सिन दे दो, हो जाएगा सही, ठीक है। हाइपोथैलेमस फॉर्म इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन, हाइपोथैलेमस जो है वो किसके बीच में एक महत्वपूर्ण लिंक बनाता है? एंडोक्राइन और आपके नर्वस सिस्टम के बीच में, तो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम आपका परफेक्ट हो जाएगा ना, अन्य की वजह गलत हो गया, ठीक है। तो ये आपके 180 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, उम्मीद है आप लोगों ने अच्छा किया होगा, अच्छे नंबर आपके आए होंगे। अपना जो एक इससे पहले वाला जूलॉजी का जो पेपर था उसमें कुछ प्रूफ रीड नहीं हो पाया था, 1 से लेके 90 तक तो ठीक थे, 90 के बाद वाले क्वेश्चन जो थे उनमें थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो आपके भले के लिए, जैसा हमेशा सीएलसी स्टूडेंट्स के अच्छे के लिए ही वर्क करती आई है और आगे भी करेगी, तो हम लोगों ने फिर से मेहनत करके आपके लिए 180 क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं, डाइजेशन के, रेस्पिरेशन के, सर्कुलेशन के, एक्सक्रेशन के, और उनको रीशेड्यूल करके 14 आपको हमने बता दिया, उस डेट को आपका ये पेपर दोबारा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों ने अच्छा इसमें समझा होगा, पूरा प्रयास मैंने किया, ठीक है। तो मिलते हैं आगे, बेस्ट विशेष आप सभी को, और स्वस्थ भी रहें, ध्यान भी रखें, ठीक है। जय सी एल सी।